बाकी लोग धीरे धीरे वोट ही लाए करो जैसे प्रमोद मेहरा। पेंशन शुरू कीजिए, बहुत लंबा मत करना तो मंत्री। प्रथमान्यासन्न पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यज्ञेन देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमाणि प्रथमानि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि प्रथमाणि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्न प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन्न आसन्नित्यासन् ते हवते ते हनाकं नाकं हते ते हनाकं नागम नागम महिमानो महिमानो नागम नागम महिमान नागम महिमानो महिमानो नागन नागम महिमान सजंद सजंद महिमानो नागन नागम महिमान सजंद महिमान सजंद सजंद महिमानो महिमान सजंद यत्र यत्र सजंद महिमानो महिमान सदंत यत्र सदंत यत्र यत्र सदंत यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र सदंत सदंत यत्र पूर्वे यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे साध्या पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे पूर्वे साध्या सन्ति सन्ति साध्या पूर्वे साध्या सन्ति सन्ति साध्या सन्ति देवा देवा सन्ति साध्या सन्ति देवा सन्ति देवा देवा सन्ति सन्ति देवा देवा इति देवा नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। ये जो त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है उसके सत्र में, आज के सत्र में, प्रातःकालीन सत्र में हमारी ये सत्र हमारा है सातवां सत्र। और इसमें सबसे पहले वक्ता हमारे प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी हैं जो उत्तराखंड से पधारे हैं। आप जो हैं युवा वैदिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, आर्य केंद्रीय सभा से राष्ट्रीय विद्या सरस्वती सम्मान,
आचार्य भद्रसेन वैदिक विद्वान सम्मान आर्य समाज सांता क्रूज मुंबई से, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2010 में देहरादून से, स्वामी मेधानंद वैदिक विद्वान सम्मान अंधेरी मुंबई, महात्मा आर्य भिक्षु विद्वत सम्मान हरिद्वार 2009, और आप उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय बेताल घाट कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं। आपने शिक्षा हाई स्कूल तक तो अलीगढ़ से प्राप्त की, तत्पश्चात आर्ष गुरुकुल एटा से व्याकरण अध्ययन किया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से विद्यालंकार, एमए संस्कृत, जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा, और उच्च शिक्षा में आप 1958 में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर कार्यरत हैं। 2015 से 1998 2021 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में प्रोफेसर पद पर चयनित होकर डीन का दायित्व निभाया, किंतु अब शायद पुनः वापस अपने प्राचार्य पद पर चले गए हैं। अनेक शैक्षणिक समितियों में भी आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो इससे पूर्व मैं विनय जी को बुलाऊं, मैं स्वागत करना चाहती हूं इस सभा में बैठे सभी वरिष्ठ विद्वानों का, और उनमें प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, पीछे बैठी हैं हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रियंका चंद्रा जी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मैं उनका, उनके आत्मज अनंत का, पीछे सन्यासी जी बैठे हैं स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी ओंकारानंद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और सबका स्वागत करते हुए विनय जी को आमंत्रित करते हैं। ओ इन्द्रं वर्धन्तो अत्तुरः शृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वरावणः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में जो त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार यज्ञ चल रहा है, उस विचार यज्ञ की ब्रह्मा हम सबकी श्रद्धेया, आर्य जगत और संस्कृत जगत में जिनकी यशः पताका दीर्घ काल से प्रवाहित है, ऐसी आचार्य प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी और इस अध्ययन संस्थान के उपाध्यक्ष, जिन्होंने प्रथम दिवस से ही ऋषि दयानंद और वैदिक विचारधारा के प्रति जो अपनी गहन चिंतन और चिंता दोनों व्यक्त की हैं, ऐसे प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता जी हमारे इस सभागार में, क्योंकि तीनों दिनों से देश के उच्च कोटि के विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। नाम उल्लेख में समय न गंवाते हुए मैं आप सभी को सादर नमन करता हूँ, और जो शोध छात्र छात्राएं हैं उनका भी अभिनंदन। मेरा विषय, जो विषय निर्धारित हुए उनमें स्वराज एवं स्वदेशी के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती, दयानंद पायोनियर ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी। से हम लगातार ऋषि दयानंद जी के विविध पक्षों पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और उनका योगदान, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, जब हम वेदों के भाष्यकार और वेद की उस परंपरा में महर्षि दयानंद जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे ऋषिवर जो प्राचीन ऋषि परंपरा थी उसके संवाहक हैं। जब हम उन्हें समाज सुधारक के रूप में देखते हैं तो समाज के प्रत्येक उस अंग तक, प्रत्येक अव्यवस्था तक और प्रत्येक छोटी छोटी बात तक चिंतन करने वाले समाज सुधारक दृष्टिगत होते हैं। जब हम उन्हें राष्ट्रभक्त के रूप में देखते हैं तो मैं आज उसी पर चर्चा करूंगा कि ऐसा राष्ट्रभक्त जिन्होंने केवल ऊपर से किसी राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का अभियान नहीं चलाया, स्वराज शब्द में उनके कहीं केवल राजनीतिक स्वाधीनता का विषय नहीं था, अपितु उसके मूल में जाकर के ये देखने का चिंतन ऋषि का हमें प्राप्त होता है। हम ये विचार करें कि जो बालक मूल शंकर
शिवरात्रि का व्रत रखने के बाद जिज्ञासावश यह प्रश्न करता है, क्या वही शिव है जिसका मैं व्रत कर रहा हूं? क्या वही शिव है जो जगत नियंता है और मैं जिस मूर्ति के सामने बैठा हूं, क्या ये वही शिव है? अब आप विचार करेंगे कि उस बालक के मन में जिज्ञासा धार्मिक विषय को लेकर थी, वहां तो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के थी, ईश्वर के स्वरूप को लेकर के थी, और उसी समाधान के लिए जिन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की घर छोड़ करके और 36 वर्ष की आयु तक लगभग 14 वर्ष तक भारत के कोने कोने का भ्रमण किया, ब्रह्म बालक मूल शंकर शुद्ध चैतन्य स्वामी दयानंद बनने तक की उस यात्रा को जब करते हैं, उस यात्रा में देश के कोने कोने में उस ऋषि आत्मा ने क्या क्या देखा, उन्होंने महिलाओं को माताओं को उस समाज की दुर्वस्था के माताओं के स्वरूप को देखा, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के कारण देश में लोगों पर हो रहे अत्याचारों को देखा, उन्होंने धर्म के नाम पर जो धार्मिक ठेकेदार थे उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखा, उन्होंने राष्ट्र के कोने कोने में जाकर जहां जहां वो ऋषि गए, गए किस लिए थे? गुरु की खोज में गए, किस लिए थे? सच्चे शिव की खोज में, कि वो सच्चा शिव कौन है। मठ में, मंदिरों में, मठाधीशों में जहां देख रहे हैं उन सब दृश्यों ने, मैं समझता हूं, उस ऋषि दयानंद के बनने तक की यात्रा जो है उसमें उस यात्रा का बड़ा विस्तार दिया। और वो विस्तार कैसे हुआ? सच्चे शिव की खोज या ईश्वर का स्वरूप, वो गुरुजनों से और गुरु ब्रजानंद जी की कुटिया में जाकर के आर्ष और अनार्ष का भेद भी पता चल गया, और उन्होंने पूरे आर्ष परंपरा के दर्शन भी गुरु जी के ज्ञान चक्षुओं से कर लिए। और जब वो 1863 में गुरु से विदाई ले रहे हैं, वो कैसा भावुक दृश्य है, गुरु से जिससे आर्ष शिक्षा ली, व्याकरण पढ़ा, वेद की प्राच्य आदर्श आर्ष परंपरा को जाना, दक्षिणा में, ये छोटी सी बात नहीं है। जब गुरु जी को लौंग भेंट किए, आप उस दृश्य की कल्पना करके हम लोग देखें, गुरु जी की जब हम प्रदीप की गीत सुनते हैं कि जब वो लौंग भेंट की तो गंगा यमुना उमड़ पड़ी, गुरु ब्रजानंद जी ने उस दयानंद के अंदर वो शक्ति, वो क्षमता, वो सामर्थ्य, वो योग्यता देखी और कहा, दयानंद तुम्हारी दक्षिणा ये लौंग नहीं हो सकती, तुम्हारी दक्षिणा तुम्हारा जीवन चाहिए। जो जीवन मिला, उस जीवन की यात्रा का चिंतन हम 3 दिन से कर रहे हैं, और 3 दिन से हम लगातार ये चिंतन कर रहे हैं कि ऋषि ने क्या क्या कार्य किए। ऋषि ने वेद भाष्य की परंपरा को जो आचार्य सायण ने विजयपुर नरेश के प्रधानमंत्री के रूप में की थी, जो यज्ञार्थ विनियोग थे, उनको हमने सारी आर्ष परंपरा का श्रवण भी यहां से किया। लेकिन आज मैं निवेदन करूंगा कि केवल हमारे भारतीय समाज शिक्षा में ऋषि दयानंद को समाज सुधारक बना करके प्रस्तुत किया जाता है। जब 10वीं कक्षा में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा दी तो समाज शास्त्र विषय, समाज सामाजिक अध्ययन विषय था, और समाज सुधारकों की सूची थी, घर आर्य समाजी था, पिता ऋषि दयानंद के परम भक्त थे। वहां देखा, घर में तो बताया जाता था कि ऋषि ने केवल ये स्त्री शिक्षा, समाज उद्धार, जीतोद्धार केवल नहीं किया, अपितु बहुत व्यापक कार्य किए, लेकिन ये तो बता रहे हैं केवल समाज सुधारक हैं। उसी जिज्ञासा ने गुरुकुल में जाने की प्रेरणा दी, और उस ऋषि के साहित्य को पढ़ने के बाद आज मैं ये लेख, मैंने क्योंकि आदरणीय मैम का आदेश आता आया कि तुरंत लेख भेजो, भेजा, मैं आज उसको निवेदन करना चाहता हूं कि उस समाज सुधार का आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, उसके मूल में हम थोड़ा सा विचार कर लें कि जिस एक ईश्वरवाद के से हट करके हम अनेक ईश्वरों की कल्पना कर रहे थे, भारत में अनेक अनेक अपने अपने भगवान, अपने अपने मठ, पूज्य आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी ने कल चर्चा की थी कि शैव और वैष्णव का वैसा ही भेद था जैसे सिया और सुन्नी का होता है, वो सारी चीज समाज में दिखाई दे रही थी, पर ऋषि दयानंद जी ने जब उस पूरी दृष्टि को देखा तो किस मूल पर गए, मूल कहाँ है, क्योंकि राष्ट्र कोई भी विचार से बनता है। ऋषि ने परिभाषाएं दी जिसको हम जानते हैं कि देश की रक्षा तो सीमाओं पर लगे सैनिक कर सकते हैं, देश एक भूभाग है, भारत ने भूभाग के बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया, भूभाग शरीर है पर उस शरीर की आत्मा कलुषित है, और वो आत्मा किस प्रकार से कलुषित हो गई उस मूल में ऋषि जाते हैं। जब हम कभी नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहां पर ये विचार आता है, ऋषि दयानंद खड़े हो जाते हैं कि राष्ट्र संस्कृति है, और उस संस्कृति के मूल में ये सारे कार्य, सारी विचारधाराएं, सारे भाव आएंगे। तो ऋषि ने उन सब के मूल का लेकर के चिंतन प्रारंभ किया। हम उस समाज सुधार की यात्रा को थोड़ा सा देखें, 19वीं शताब्दी में समाज सुधार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय जी ने, जो हम चिंतन करते हैं, विचार इतिहास पढ़ते हैं,
उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन वो प्रश्न उठाने के साथ साथ उनको ये भी शंका होती थी कि ये कुरीतियां हिंदू समाज के हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके कारण फैली, और उनका झुकाव किस ओर होता था, क्योंकि ईसाइयत एक एक ईश्वर की बात करती है, वहां पर ये कुरीतियां नहीं है। तो भारत में समाज सुधार के मूल में ईसाइयत की प्रेरणा उनके पीछे है। राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ कानून 1828 में बनवाते हैं और वो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको मैंने इसमें उल्लेख भी किया है कि उन्होंने 1828 में जब ये कानून बनवाया तो ब्रह्म समाज की स्थापना, उसमें ट्रस्ट जो डीड लिखी थी उसमें सामाजिक विषय प्रमुख सा थे, पर वहां पर कोई राष्ट्र के स्वतंत्रता की, स्वराज की कोई बात कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती है। उन्होंने स्वराज का या भारतीय शासन हमारा हो जाएगा तो ये परिवर्तन आ जाएंगे, या भारत का देशोत्थान कैसे होगा, इस पर कोई चिंतन नहीं है। दूसरा आंदोलन जो प्रार्थना समाज का है, महर्षि देवेंद्रनाथ जी ने वो स्थापना की, और उन्होंने एक युवा को ऐसा विचारशील देखा, केशव बाबू को, जो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित होकर के बहुत तीव्र प्रतिभा थे, प्रार्थना समाज सौंप दिया। केशव बाबू ने क्या किया, केशव बाबू की शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य संस्कारों के साथ होने के कारण ईसाइयत के प्रति उदार भाव रखते थे और ईसा मसीह को समस्त मानव जाति का त्राता मानते थे। उनकी धारणा थी कि ईसाइयत ने ही पूरे विश्व में सभ्यता संस्कार समाज दिया है, शिक्षा दी है। इस कारण उनकी हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के साथ साथ हिंदू धर्म के साथ भी आस्था नहीं थी। अगला हम उसी समय में देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को और जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को। तो रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में वो लिखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी में जगत में कोई बुराई वो नहीं देख पाते थे। वो कहते थे सब जगत में कोई बुराई नहीं है। जब बुराई नहीं थी तो राष्ट्र की बुराई भी उनको नहीं दिखती थी, समाज की बुराई भी नहीं दिखती थी। और स्वामी विवेकानंद जी का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उनका खुद कथन मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, आई बिलोंग टू द वर्ल्ड एज मच एज द इंडिया, नो कंट्री हैज ए स्पेशियल क्लेम, एम आई इंडिया स्लेव। विवेकानंद जी लिखते हैं, मैं जितना भारत का हूं उतना ही संसार का हूं, किसी देश का मेरे ऊपर कोई विशेष अधिकार नहीं है, क्या मैं भारत का दास हूं। ये वाक्य विवेकानंद जी के हैं। और उसी परंपरा में आप देखें, अब मैं क्योंकि ज्यादा चर्चा करूं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करूं, मिस्टर अल्कॉट मैडम लेवेक्स की, उन्होंने बहुत सारी भारत की प्रथाओं पर चर्चा की, पर उन सब से ऋषि दयानंद जी को मैं स्वराज शब्द के साथ कैसे जोड़ूंगा। ऋषि दयानंद जी जब कहते हैं कि उन्होंने, आप एक और उसकी स्थिति देखिए कि अंग्रेजों के काल में, ईसाइयत के काल में भारत में एक भाव पैदा किया गया कि तुम्हारे पास गर्व करने लायक कुछ नहीं है, आप असभ्य थे, जंगली थे। और एक साथ और एक बात और पैदा की गई कि अगर वैदिक साहित्य उन्होंने पढ़ा, मैकडोनल्ड ने वैदिक साहित्य का इतिहास लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी मैकडोनल्ड के उस कथन का उत्तर देते हैं। ये सब मैंने इस पत्र में लिखा है कि जो मैकडोनल्ड ने कहा, मैं उनके बाकी कोट कर देता हूं आपको, पढ़ता हूं इसको जरा। समाज सुधार आंदोलन में ऋषि दयानंद जी जब कूदते हैं तो उसमें उन्होंने गुरु ब्रजानंद जी की कुटिया पर पहुंचकर आर्यावर्त की दुर्दशा को देखा। ये सब बातें मैंने आपसे कहती हैं, धर्म अधर्म का भेद जाना, ये सब रितंबरा प्रज्ञा उनकी उत्पन्न हुई, और पाखंड कुरीतियों का जो बोलबाला था भारत में उस पर उन्होंने प्रश्न उठाए। यहाँ पर अब ऋषि कहते हैं कि 1863 ईस्वी में गुरु जैसे दक्षिणा लेकर विदा लेकर जब वो जाते हैं तो उन्होंने उसी प्रकार कार्य किया जैसे हम देखें कि सामान्य राजा दशरथ के पुत्र राम को गुरुओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, जिस प्रकार शिवा को छत्रपति शिवाजी मराठा नरेश अमृत गुरु रामदास ने बना दिया, उसी प्रकार गुरु ब्रजानंद जी ने उस बालक मूल शंकर शुद्ध चैतन्य दयानंद को महर्षि दयानंद सरस्वती बना दिया। ये गुरु की जो दृष्टि थी, और उन्होंने मुगलों की गुलामी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत भूमि पर राज्य किया, और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट जिसकी चर्चा हम लोग खूब पढ़ते हैं, लॉर्ड मैकाले ने जब रिपोर्ट दी वहां जाकर ब्रिटेन की संसद में और कहा कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, वर्तमान स्थिति में हम लंबे समय तक राज नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा, मिल्स हैं, मिल्स को वो लिखते हैं, मिल्स ने लिखा भारतीय इतिहास, उसके खंड 4 में पृष्ठ 332 पर उल्लेख किया। लॉर्ड मैकाले कहते हैं, हमें नाम मात्र का नहीं सचमुच नवाब बनना है, और वह भी पर्दा रखकर नहीं खुल्लम खुल्ला बनना है। और इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए ऑर्थर ए मैकडोनल्ड ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा, इतिहास पूर्व काल में जिन आर्यों ने भारत को जीता था
वे स्वयं पुराने समय में दूसरों से पराजित होते आए थे। मैकडोनल्ड का कथन है ये कि जिन आर्यों ने आज भारत पर अपने को दावा पेश करते हैं ये पराजित होते आए थे और भारत में इतिहास का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्होंने कभी इतिहास लिखा ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी ऐतिहासिक कार्य किया ही नहीं है। ये पृष्ठ 10 और 11 पे इसी पुस्तक में है। इस प्रकार सिद्ध किया जा रहा था कि भारत के पास गर्व करने लायक कुछ नहीं। इसका उत्तर ऋषि का लिखिए। ऋषिवर दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के आप एकादश समुल्लास को, एकादश समुल्लास किस लिए प्रसिद्ध है जी? भारतीय मत मतांतरों की समीक्षा के लिए। लेकिन ऋषि के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो जब कोई भी बात कर रहे हो वहां पर देशोत्थान, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र के प्रति ऋषि की जागरूकता दिखाई देती है। मैकडोनल्ड के इस कथन का उत्तर ऋषि किस प्रकार देते हैं? यह आर्यावर्त ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है, इसलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है क्योंकि यही स्वर्ण आदि रत्नों की उत्पन्न करती है। पारस मणि पत्थर सुना जाता है यह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारस मणि है जिसको कोई लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूते ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते थे। सृष्टि के आदि से 5,000 वर्ष पूर्व समय पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक और छोटे छोटे, अब इस कथन पर आप थोड़ा हमारा दृष्टिपात करें। ऋषि जी उस मैकडोनल्ड ने जो कुछ लिखा उसका उत्तर ऋषि कितनी गर्व के साथ दे रहे हैं कि भारत कैसा देश है, स्वर्ण भूमि है, ये कैसा है, पारस मणि है, इसको छूते ही विदेशी कैसे हो जाते हैं, वो धनाढ्य हो जाते थे। ऋषि जी का ये कथन सत्यार्थ प्रकाश के मत मतांतरों की समीक्षा के साथ है। क्यों ऐसा क्या हो गया, जो ऐसा देश था वो अब क्यों ऐसा पदाक्रांत हो गया? कारण हमारी ईश्वर धर्म को लेकर जो धारणा वेद विरुद्ध रही उसके कारण। उन सारे मतों की बात ऋषि करेंगे, उससे पहले ये बता दे रहे हैं कि आप इस बात को लेकर के बैठिए, इन मत मतांतरों के फैलने से ही हम इस हालत में पहुंचे हैं। महर्षि दयानंद आधुनिक युग के ऐसे प्रथम भारतीय मनीषी हैं जिन्होंने सभी उन धारणाओं और मान्यताओं का सप्रमाण उत्तर दिया जो भारतीय इतिहास को निम्न दृष्टि से देखती थी। यह धारणा स्थापित की गई थी कि भारतवर्ष में सदैव अशिक्षा, असभ्यता, अज्ञानता रही है। समय समय पर पश्चिम से सभ्यताएं आती रही, उन्हीं का मिश्रित रूप वर्तमान भारतीय संस्कृति है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में, मैंने परसों भी चर्चा की थी प्रोफेसर वेदी जी के सामने कि नई शिक्षा नीति के अंदर आज हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बात कितने स्थानों पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवा पाए कि भारत के जो गौरव था प्राचीन, वो हम किस प्रकार की हमारी यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति थी। आज भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आर्य भारत से आए थे, हमने ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऋषि जी ने अपने प्रवचनों में, व्याख्यानों में सारी बातें कही। ऋषि क्रांतदर्शी थे, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्यों की विनाशकारी कूटनीतिक चाल को समझा और उसका उत्तर देखिए। ऋषि जी लिखते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वह इतिहास नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए थे। सत्यार्थ प्रकाश के ये भी अष्टम समुल्लास में, अष्टम समुल्लास का क्या विषय है जी? अष्टम समुल्लास का सृष्टि उत्पत्ति विषय, और वहां पर ऋषि ला रहे हैं। ऋषि सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा में फिर राष्ट्र को ला रहे हैं, मतमतांतरों की समीक्षा में राष्ट्र को ला रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था आ रही है तो राष्ट्र को ला रहे हैं। ऋषि कहते हैं देशोत्थान मेरा संकल्प है, राष्ट्रोत्थान मेरा संकल्प है। कहते हैं किसी जंगलियों आदिवासियों से लड़कर जय प्राप्त करके उन्हें निकालकर इस देश के राजा हुए हों ऐसा लेख नहीं है। विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे थे, इससे पूर्व इस देश का कोई नाम भी नहीं था। ऋषि जी लिखते हैं क्योंकि आर्यावर्त जो नाम है वो आर्य संस्कृति के कारण, उससे पहले कोई नाम नहीं। महर्षि दयानंद जी ने निर्वीक लेखनी से भारतीयों में स्वभाव को जागृत किया, इसका उल्लेख मैं आगे अपने उदाहरणों से करूंगा। मिस्टर ब्लंट हुए हैं जो भारत के पहली जनगणना का भी नेतृत्व उनको मिला, सेंसस जो हुआ था 1911 में, तो उसमें भी उन्होंने कुछ उल्लेख किए हैं। तो महर्षि जी ने अपने व्याख्यानों में और राष्ट्र प्रेम और स्वराज्य प्राप्ति का उल्लेख किया और राष्ट्र सत्यार्थ प्रकाश में राष्ट्र गौरवगान करते हुए ऋषि ने लिखा, इसी आर्यावर्त देश से उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें, ऐसा गौरव था इस राष्ट्र का। ऋषि जी लिखते हैं इस बात को, ऋषि ने भारत की पराधीनता कष्ट को पदे पदे व्यक्त करते हुए इस जगाने का संदेश दिया और आर्यों को शक्ति का स्मरण कराया। ऋषि जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में, सुनो चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन,
यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात मारजार के सदृश आंखों वाले यवन जिसको यूनान कहे आए हैं और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसुई और महाभारत के यज्ञ में और महाभारत के युद्ध में आज्ञानुसार आए थे। ऋषि जी सारे विश्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत का चक्रवर्ती सम्राट वो गौरव था। स्वयं अगला एक और उदाहरण देना चाहता हूं, स्वयंभू राजा से पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य रहा। ये सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि लिखते हैं। एकादश समुल्लास में ऋषि जी लिखते हैं, यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल पृथ्वी में फैले हैं सब आर्यावर्त देश से ही प्रचलित हुए। देखो एक गोल्ड स्टकर साहब पेरिस अर्थात फ्रांस देश के अपनी पुस्तक बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं, ये ऋषि जी उदाहरण दे रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में, क्या लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है, सब विद्या मत इसी देश से फैले हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश फ्रांस की कीजिए। ये फ्रांस का जो स्वामी जी ने नाम लिया गोल्ड स्टकर का, कि वो लिखते हैं कि भारत जैसी आर्यावर्त जैसी उन्नति हमारी हो जाए। इन सब प्रमाणों से अब सबसे जो ऋषि ने एक प्रमाण और मैं ऋषि का देना चाहूंगा, जो स्वराज को हमारे अंदर स्वराज की भावना को जागृत करने वाला बनता है, ऋषि जी लिखते हैं कि अब अभाग्योदय से अर्थात आर्यों के आलस्य प्रमाद परस्पर विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो क्या कथा क्या कहनी, परंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है वह भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है, कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं, दुर्दिन जब आता है तो देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। ये ऋषि सब एकादश समुल्लास में लिख रहे हैं। अब आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1857 में हम लोग उस क्रांति को पहला विद्रोह कहते हैं और कुछ लोग इस बात को कहते हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा कि ऋषिजानंद जी क्या भूमिका थी, पर उस विद्रोह के तुरंत बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत का एक संविधान वहां अपनी ब्रिटेन की अपनी संसद में पास कराया और उसमें उन्होंने महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय लोगों के लिए कृपा बरसाई, क्यों बरसाई थी कि जो विद्रोह थोड़ा बहुत उभरा था वो परेशान हो गई थी, वहां की संसद में चर्चा हुई इस विषय पर कि भारत में जागृति आ रही है। किस कारण आ रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा प्रेरित थी? सब जानते हैं, ब्रिटेन की संसद, महारानी विक्टोरिया की। लेकिन महारानी विक्टोरिया ने एक मनोवैज्ञानिक वो किया, खेल खेला, षड्यंत्र किया और वो सब हमारा आप इतिहास पढ़े हैं कि उन्होंने वहां पर उसे पास किया, भारत के लिए लिखा उन्होंने, भारतीयों को आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा कर दी। कब की? 1858 में। और उस समय ऋषि भ्रमण पर हैं लेकिन जागृत हैं, सब चीजों का पता है, सब अपडेट रहते हैं। उस समय उसका उत्तर नहीं दिया ऋषि ने, लेकिन आप उसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में पाते हैं। क्या उत्तर पाते हैं? क्योंकि प्रजा को पुत्रवत पालन करने की घोषणा महारानी विक्टोरिया कर रही है, कह रही है भारत की प्रजा हमारी संतानवत है और जैसे संतान को कोई सुख दुख होता है तो माता पिता को कष्ट होता है, तो हम संतान को अर्थात भारत की प्रजा को दुखी नहीं करेंगे। परिवर्तन क्या आया 1857 के बाद? आप देखिए, एक शांति सी हो गई, जो आग जली थी उस पर पानी पड़ गया और जल जब शांत कर देता आग को। ऋषि दयानंद इस बात से बड़े पीड़ित हैं कि मेरे देश में जो थोड़ा बहुत क्रांति आ रही थी अब उसको महारानी विक्टोरिया ने दबा दिया। तो उसका उत्तर क्या देते हैं ऋषि? अब वो ऋषि का उत्तर जो आपने अनेक बार पढ़ लिया है, ऋषि जी कहते हैं कि मान्य कारक पिता, ये मैं आर्या विनय का उदाहरण दे रहा हूं, पहले सत्यार्थ प्रकाश का बाद में दूंगा। आर्या विनय में लिखते हैं ऋषि जी, आर्या विनय के प्रथम प्रकाश के 45वें मंत्र में, मान्य कारक पिता स्व प्रजा को संगत और अनेक विध लालन करता है, वैसे हमारा पालन करो हे रुद्र भगवान, तब प्रणीतिशु आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात उत्तम न्यायुक्त नीतियों में प्रवृत्त होना, वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आपके अनुग्रह से प्राप्त हो। हमारा ये देश इस जो लालन पालन की बात हो रही है, हे प्रभु आप प्रजा के पालक हो। असली पिता कौन है? ऋषि कहते हैं पिता ये कोई दूसरे देश का राजा नहीं हो सकता, वो पिता है और हमारी प्रजा का पालन चक्रवर्ती राज्य को पुनः प्राप्त कराओ। कहेंगे ईश्वर की प्रार्थना करने में एक संत लिख रहा चक्रवर्ती राज्य मेरे राष्ट्र का होना चाहिए। दूसरी प्रार्थना आपने पढ़ी है,
जिसमें वो कहते हैं महाराजाधिराज परब्रह्मन क्षत्राय अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए शौर्य धैर्य नीति विनय पराक्रम बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट करके अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हो। क्या कहते हैं ऋषि प्रार्थना में आर्या विनय के ये द्वितीय प्रकाश के मंत्र संख्या 31 के भाष्य में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें ऋषि कहते हैं कि हम कभी पराधीन न हो, हम लोग कभी न पराधीन हो। जिस काल में हमारे देश में आपने 1867 का ऋषि का वो जीवन पढ़ा है, हरिद्वार कुंभ के मेले में जब पाखंड खंडनी पताका लगाते हैं, ऋषि वहां के साधु संतों की मीटिंग बुलाना चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए ये जो जो कार्य हम आज कर पा रहे हैं, अगर ये देश पराधीन रहा दीर्घ काल तक अपने धर्म का प्रचार नहीं होगा। साधु संतों ने क्या उत्तर दिया, कोई नृप होए हमें का हानि, यही तो मिला था राजा से हमारा क्या मतलब, हम साधु संत हैं, हमारा काम धर्म अध्यात्म की चिंता करना है। ऋषि का वो प्रयास विफल हो गया। 1867 में ऋषि के आह्वान पर उस हरिद्वार के कुंभ के मेले में बड़े बड़े शिविर लगे हुए थे, उनमें लोगों ने किसी ने स्वामी जी की बात पर गौर नहीं किया, लेकिन ऋषिवर की आप उस धैर्य क्षमता को भी बार बार देखते हैं। जिस समय हम काशी शास्त्रार्थ को पढ़ते हैं, विद्वजनों के बीच कोई कहने की नई बात तो है नहीं, पर वह आप उस दृश्य का चिंतन करें जब काशी नरेश षड्यंत्र पूर्वक ऋषि को विजयी होते हुए भी पराजित घोषित करते हैं। सायंकाल ऋषि आनंद बाग में बैठे हैं, पंडित ज्योति प्रसाद जी स्वामी जी से मिलने आते हैं, और स्वामी जी से मिलने वो किस लिए आते हैं कि आज स्वामी जी का पक्ष सत्य था, लेकिन स्वामी जी की जो अपमान हुआ है, जो चारों तरफ से घेर करके उनका अपमान किया गया, आज मनस्थिति कैसी होगी। जब वो देखने आते हैं तो ऋषिवर संध्या कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, कोई चेहरे पर उदासी नहीं है। पंडित ज्योति प्रसाद जी काशी के उच्च कोटि के विद्वान कहते हैं, स्वामी जी महाराज आज दिन में जो घटना हुई, इतना बड़ा आपका अपमान हुआ, पर आपको कतई उसने विचलित नहीं किया। ऋषि का वह अध्यात्म पक्ष, जिसकी चर्चा मेरे आदरणीय भ्राता प्रोफेसर कमलेश चौकसी जी ने कल की, ऋषि का वह अध्यात्म पक्ष कितना सुदृढ़ है। कहते हैं मैं अपना कुछ भी करने के लिए इस धरती पर थोड़ी आया, मैं तो उस परमपिता परमात्मा के सत्य ज्ञान को प्रचारित करने के लिए, इसलिए कौन किसका अपमान, मेरे अपमान का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसी प्रकार ऋषि कहीं अधीर नहीं हो जाते। आप 1867 से और 1983 की उनकी यात्रा को जब हम देखते हैं, कितने साल हैं जी, मात्र 16, और गुरुजी ने तो कल कहा था डॉक्टर वेदपाल जी ने कि 1869 से हम गणना कर लें 14 वर्ष। उस 14 वर्ष के काल में, ये तो लिखित प्रमाण केवल मैंने दिए हैं, अब उनका प्रैक्टिकल प्रयास देखिए, भौतिक प्रयास केवल, ये तो शास्त्रों में लिख दिया, लेकिन क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। हर राजा के पास ऋषि जा रहे हैं, और क्या उद्देश्य है, मैं गुरुजी से सुबह घूमते हुए पूछ रहा था, गुरुजी कभी उन्होंने स्पष्ट पब्लिकली जो व्याख्यान होते थे उनमें भी स्वतंत्रता की कोई बातें क्रांति की लोगों को जगाने की। ऋषिवर कितने, मैं कह सकता हूँ उच्च कोटि के मनस्वी चिंतक हैं, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य है। अगर खुले रूप में इस विद्रोह की बात की जाएगी तो ऋषि दयानंद टारगेट पे तो आ गए थे, वो मैं प्रमाण दूंगा कि उनको कितना, 1905 में जब लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कहा, बनारस के अधिवेशन में कहा गॉड सेव द किंग, जो गाना गाया जाता था कांग्रेस के अधिवेशनों में, तो गॉड सेव द किंग कहा तो लाजपत राय जी खड़े हो गए, कांग्रेस राष्ट्र की स्वतंत्रता का आंदोलन चला रही है, गॉड सेव द किंग नहीं गाया जाएगा। तो हमारी पहली पीढ़ी के जो कांग्रेस के नेता थे, जो एहूम की विरासत को लेकर के चले आ रहे थे, वो सारा प्रकरण हमको पता है 1875 में आर्य समाज, और 10 साल के अंदर कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि आर्य समाज का जो आंदोलन फैल रहा है देश में, आर्य समाज की इकाइयों में जगह जगह मंत्रणा हो रही है, स्वतंत्र कैसे देश हो। आप लाहौर आर्य समाज के अधिवेशनों को पढ़ के देखिए, मैं उसके प्रमाण भी पढ़ना चाह रहा था, समय को दृष्टिगत रखूंगा। लाहौर के अधिवेशन में जो सबसे पहले कहा गया, आप उसको देखें, लाहौर का अधिवेशन हुआ जिसमें मैं एक मिनट इसको प्रमाण को आपको देना चाहूंगा। हाँ, राजा कालस्य कारणम, ये शासन व्यवस्था थी ना कि राजा जैसा होगा वही राज्य बनेगा, तो वहां पर लाहौर के अधिवेशन का प्रमाण मेरे से भूल रहा है अभी, वहां पर पास किया गया प्रस्ताव कि इस आर्य समाज में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी, और हमारा पैसा इन अंग्रेजों की बैंक में क्यों रहता है, और वहां पर प्रस्ताव रखा गया कि अपनी बैंक खोली जाए। तो स्वदेशी का भाव वहां से पैदा हुआ, और बैंक के प्रस्ताव वो कार्यकारिणी के रजिस्टर में लिखा हुआ है कि प्रस्ताव किया आर्य समाज लाहौर ने कि हमारा बैंक खोला जाए, और नाम लिखा गया, आप सबको पता है पंजाब नेशनल बैंक, पहले खातेदार हुए लाल लाजपत राय, इसलिए हम कहते हैं लाल लाजपत राय जी ने स्थापना की।
इस प्रकार के जब जगह जगह से हो रहे थे, लाल लाजपत राय का ये गॉड सेव द किंग का विरोध देखा, तो पुराने कांग्रेसी जो हमारे थे प्रथम पीढ़ी के विचलित हो गए, बुजुर्ग आयु के थे, कि ये क्या कह रहा है। लेकिन उसी अधिवेशन में फिर ये पास हो गया कि आगे के किसी अधिवेशन में गॉड सेव द किंग नहीं गाया गया। और आप उसके बाद ऋषि दयानंद को, अकेले नहीं, ऋषि दयानंद की परंपरा को देखिए। ऋषि दयानंद की परंपरा में पंडित लेखराम जब पुलिस में, ब्रिटिश की पुलिस में काम करते, एक जांच के लिए भेजे गए तो घोड़ा बग्गी में बैठ करके जा रहे थे। मेहता साहब घोड़ा बग्गी से जब वो जांच कर लौट रहे थे तो अंग्रेज उच्च अधिकारी उनका सामने पड़ गया और उसको पता लगा कि मेरा ये अधीनस्थ भारत का काला सिपाही ये घोड़ा बग्गी में कैसे आ रहा है। तो लेखराम जी से कहा कि ये तुम घोड़ा बग्गी से कैसे, बोले उन्होंने क्या कहा गर्व से, मैं अपने व्यय से घोड़ा बग्गी में गया था, मैं सरकारी व्यय से नहीं गया। लेकिन अंग्रेजों को ये भी बर्दाश्त नहीं था और उसी दिन पंडित लेखराम ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। ये किसकी भावनाएं थी, ये किसकी प्रेरणाएं थी, एक एक व्यक्ति के अंदर क्रांतिकारी भाव को जगाने का कार्य सिदानंद के उस विचारों ने किया। आप आर्य समाज के प्राथमिक इतिहास को देखिए, जो इकाइयां खुली 1875 से लेकर के 1883 के बीच, उन हर इकाइयों के अंदर यही कार्यक्रम होता था, राष्ट्र की स्वतंत्रता, सभ्यता, हमारे विकास कैसे होगा, राष्ट्र उन्नति कैसे होगी, उन सबके प्रमाण हमें मिलते हैं। फिर आगे का हम इतिहास देखें, लाल लाजपत राय का आप पूरा जीवन पढ़ते हैं, उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा को, मैं पत्र व्यवहार पूज्य आचार्य जी का संपादित पढ़ रहा था, इतने लंबे लंबे पत्र श्री आनंद जी द्वारा लिखे जा रहे हैं, उनका उद्धरण देना है, समय समयाभाव से दृष्टि नहीं होता कि समय रखूं मैं उसमें, लेकिन वो सारा कार्य श्री आनंद जी के शिष्यों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे भाव को देख करके, स्वदेशी का भाव, वो एक राजा, उनका मैं नाम विस्मित कर रहा हूं, उनके बेटे थे माधव सिंह, माधव सिंह छोटी आयु में थे, उनको लेकर राजा ऋषि के पास गए और ऋषि से कहा कि इस बालक को कुछ उपदेश दीजिए। तो बालक जो था माधव सिंह, वो बाद में राजा हुए हैं, तो पतलून टाइप की जो पैंट थी अंग्रेजों की उस समय वो पहनी थी, पहने हुए थे। उधो सिंह नाम था, उधो सिंह के बेटा माधव सिंह थे, तो उधो सिंह के बेटा थे ध्यान। तो ऋषि दयानंद जी ने कहा कि अंग्रेज तो अपने बनाए हुए जूते पर भी अभिमान करता है और आप इस वस्त्र को क्यों धारण किए हैं। तो आप देखिए कि कितनी छोटी छोटी बातों पर ऋषि की दृष्टि जाती थी कि इस वस्त्र के पहनने से भी विदेशी दासता का मानस तुम्हारा बनेगा, तो अपनी वेशभूषा हमें गर्व पैदा करती है। ये बात आज थोड़ा हो सकता है कि क्षम्य हो जाए, क्योंकि हमारे हम लोग जब कई बार उन वस्त्रों को पहनकर निकलते हैं तो ये बात आती है कि अपनी सभ्यता पर, अपनी वेशभूषा पर गर्व क्यों नहीं है। तो ये वर्तमान में भले ही क्षम्य हो जाए, लेकिन उस समय क्षम्य नहीं थी, क्योंकि विदेश से बन करके आती थी। तो ऋषि का चिंतन, अब दूसरा एक पक्ष रखना चाहता हूँ, ऋषि जी के विचारों से राजा महेंद्र प्रताप के पिता थे, जो मुरसान की रियासत थी, उनका नाम माधव सिंह जी, तो माधव सिंह जी ऋषि दयानंद जी से मिले और उनका बेटा धीरे धीरे विचारों से ओतप्रोत हुआ। आप कभी वृंदावन गए हो तो गुरुकुल महाविद्यालय विश्वविद्यालय वृंदावन को कई सौ एकड़ जमीन राजा महेंद्र प्रताप जी ने दी, प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, और जो अफगानिस्तान में पहली निर्वासित भारत सरकार बनाई वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने वहां जाकर के बनाई, और वहां से पूरा ऐसा मैंने उनका जीवन पढ़ रहा था कि फकीर हो गए। जो राजा था वो दयानंद के विचारों में ओतप्रोत होकर के ब्रिटिश साम्राज्य में अपने राज्य को नहीं चलाना चाहता और भारत की निर्वासित सरकार पहली गठित करता है। और गुरुकुल नारसन, आप कभी हरिद्वार जाते हैं, वहां पर डिग्री कॉलेज बना, गुरुकुल नारसन की जमीन उनकी, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां, क्योंकि ऋषि दयानंद जी की एक बात और थी, जहां एक और वो घोर राष्ट्रवादी थे, वहीं पर पूजा पंथों के नाम पर जो भेद थे उनमें ज्यादा ऋषि दयानंद जी का आग्रह नहीं था, उनके साथ भी राष्ट्रभक्ति के, सर सैयद अहमद खां का हम पढ़ते हैं प्रथम जीवन, बाद में तो बहुत परिवर्तित हो गए, प्रथम जीवन ऋषि दयानंद जी के मित्रता के रूप में आता है। और ऋषि दयानंद जी के विचारों से उत्प्रोत होकर उन्होंने जो कुरान का कुछ अनुवाद लिखा, उस पर आज का मुसलमान प्रश्न उठाता है कि सर सैयद अहमद खां का ये अनुवाद कैसे हो गया, उसके पीछे कौन है, दयानंद की मित्रता है। तो आप ऋषि दयानंद को कितने पक्षों को हम विचार करें, स्वदेशी की भावना को लेकर के लाहौर में ये निर्णय लिया गया, वो भी उसकी बैठक कार्रवाई में लिखा हुआ है कि हम विदेशी वस्तुओं का परित्याग करेंगे। ये सारी आर्य समाजों में जब प्रस्ताव पास होते थे, उसका परिणाम क्या हुआ कि जब ये विचार वहां पहुंचे, संदेश पहुंचे, और वो केवल वो था के माध्यम से समाचार जब पहुंचा, तो पता है वहां क्या हुआ, वहां उन्होंने, उनकी हालत खराब हुई। और मिस्टर ब्लिंट ने एक जगह लिखा है, वो लिखते हैं, द आर्य सामाजिक डॉक्ट्राइन हैज ए पैट्रियोटिक साइड, द आर्य डॉक्ट्राइन एंड आर्य एजुकेशन अलाइक सिंग द ग्लोरी ग्लोरियस ऑफ एंशियंट इंडिया एंड बाई सो डूइंग अराउज अ फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड इन इट डिसिपल्स हु आर मेड टू फील दैट देयर कंट्रीज हिस्ट्री इज नॉट ए टेल ऑफ ह्यूमिलिएशन, पैट्रियोटिज्म एंड पॉलिटिक्स आर नॉट साइनोनिमियस
but the arousing of an interest in national affairs is a natural result of arousing national pride. अर्थात आर्य समाज के सिद्धांतों में, ये मिस्टर ब्लिंट लिख रहे हैं कि आर्य सिद्धांतों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समान रूप से भारत के प्राचीन गौरव के गीत गाते हैं और ऐसा करके अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को जागृत करते हैं। इस शिक्षा के फलस्वरूप वे समझते हैं कि हमारे देश का इतिहास पराभव की कहानी नहीं है। अर्थात जो षड्यंत्र 150 वर्ष के काल में अंग्रेजों ने फैलाया था, उसको यदि कोई खुली चुनौती देकर कार्य कर रहा है तो ऋषि दयानंद और उनकी विचारधारा कर रही है। और विचारधारा बता रही है, दयानंद feared Islam and Christianity because the considered that the adoption of any foreign creed would endanger the national feelings is his wise of Foster। अर्थात दयानंद अगर विदेशी मत मतांतरों की समीक्षा करते हैं तो वो इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति ने हमारे भारत में जो पराधीन हुआ, मुगलों के हम अधीन रहे, उसमें भारत के लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन उन सब कन्वर्ट हुए मुसलमानों में आस्था राष्ट्र की बदल गई, भारत के प्रति आस्था नहीं रही, और ईसाई हुए तो उनकी आस्था बदल गई, भारत के प्रति नहीं रही। ये सब विषयों को किसने पकड़ा? वो पकड़ा ऋषि दयानंद जी ने। और ऋषि दयानंद जी की इस मूल भावना से दयानंद जी इस्लाम और ईसाईयत के प्रति इसलिए शंकित थे कि वो समझते थे विदेशी मतों को अपनाने में देशवासियों की राष्ट्रीयता की भावना को क्षति पहुंचेगी, और जिन्हें वो पुष्ट करना चाहते थे भारत के हर व्यक्ति में, वो इस्लाम के व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा मूल तो वैदिक धर्म है, तुम किसी कारणों से परिवर्तित हुए हो। यही बात ऋषि के शिष्यों ने लगातार अपने विचारों में चलाई। तो समय का अतिक्रमण भी ना हो, मैं निवेदन करूंगा कि हम ऋषि के इन ग्रंथों के प्रमाणों से और ऋषि के जो स्वराज और स्वदेशी की भावना को जगाने का कार्य उस समय किया गया, आज हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन बस निवेदन कर रहा हूं कि जो विचार गोष्ठी 3 दिन तक इतने बड़े बड़े विद्वत जनों के सानिध्य से चल रही है, और मैम एक निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन क्या ये बताना, ऐसी गोष्ठी मुझे भी 30 वर्ष गोष्ठियों में जाते हुए हो गए, पर इतनी विचार पूर्वक और इतने समय के साथ पहली गोष्ठी है जिसकी ब्रह्मा आप हूं, ये मतलब निसंकोच में कह सकता हूं। मैडम हमारी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की निदेशक आई है, मैम आपने जो कुछ मैम को अधिकार दिए उसका सदुपयोग रूप में देखिएगा कि 3 दिन का विचार मंथन और एक एक उच्च कोटि के विद्वान जिनके विचारों को सुनने का हमें सब, मैंने पूरी डायरी बना ली है किस किसने क्या बोला। हम लोग अपने विद्वत जनों से सीखते हैं, कभी ये अभिमान नहीं लाते कि हमें बहुत कुछ आ गया। ऋषि दयानंद जी की निर्विमानता और निर्भीकता दोनों एक साथ साथ हैं। निर्विमानता में जब उन्हें किसी ने परम आदरणीय कह दिया मंच से, आप ऋषि को देखिए कि संबोधन करने वाले ने कहा परम आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ऋषि ने रोक दिया, रुको, यदि परम शब्द का प्रयोग मेरे साथ करोगे तो उस परमात्मा के साथ क्या करोगे। ऐसी सोच को रखने वाला ऋषि, बस विडंबना यह है, मेहता साहब की चिंता के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं और हम ये कहना चाहते, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सारी ये पीढ़ी जो बैठी है इनका आशीर्वाद मिले और आर्य समाज ऋषि दयानंद की विचारधारा का संवाहक एकजुटता के साथ एक एक छोटे छोटे सूत्र को लेकर के ऋषि के कार्य करे। आज हमारे सारे मंचों से मैडम ये घोषणा हो जाती है, व्यक्ति खड़ा है अतिशयोक्ति में, प्रशंसा में, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, सब कुछ मनुष्यों को बना देते हैं, हैं? और घोषणा सुनने वाला भी बड़ा गर्वित हो जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे सुनने वाले भी हैं, जब मैम ने मंच से कहा कि परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष, उतरते ही आचार्य जी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं हूं। ये मैं जो नहीं हूं वो क्यों दिखना चाहता हूं, अगर ये भी सीखना है तो दयानंद से सीखना पड़ेगा। परिचय नहीं दिया, मैं निवेदन ये कर रहा था कि एक पीड़ा है जो मुझे भी है, ऋषि दयानंद जी तो एक लेश मात्र भी जो नहीं है वो दिखना नहीं चाहते, और जो है उसके घोषणा पूर्वक राष्ट्र के साथ, अंग्रेज भी अगर पायसराय पूछता है या कोई अधिकारी पूछता है कि आप हमारे अखंड राज्य की प्रार्थना कर दिया कीजिए, तो ये भले ही हम बढ़ा चढ़ा कहते हैं पर ऋषि ने क्या कहा, मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन इस बात की करता हूं कि प्रातःकाल आज सूर्योदय आपकी गुलामी में हो गया है पर सूर्यास्त मेरी पराधीनता की बेड़ियों काटकर स्वतंत्रता में हो। ये निर्भीकता, ये शक्ति, ये दयानंद को प्रेरणा, ये किस गुरु ब्रजानंद की कुटिया से जो मिली है वो जन्म जन्मांतर की ऋषि आत्मा की प्रेरणा है। ऐसे ऋषि को वास्तव में मेहता साहब आपकी चिंता बहुत वाजिब है कि हम इतनी बड़ी विचारधारा के संवाहक होते हुए हम कहाँ कमजोर हैं, इसका चिंतन ये गोष्ठी करेगी और निश्चित रूप से
उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा से अवसर हमको देगा कि जो योजनाएं आप बना करके यहाँ जा रहे हैं उसका आप रिजल्ट बताइए, आउटपुट बताइए, क्या क्या कार्यक्रम आपने किया, इस गोष्ठी पर जो मंथन हुआ उस पर कितना कितना कार्य हमने किया। तो आज भी स्वराष्ट्र और स्वराज और स्वदेशी में बहुत शंका है, देश के अंदर जो माहौल है हम और आप देख रहे हैं उस माहौल में कितनी छोटी छोटी बातों पर हम राष्ट्र के प्रति, अभी परसों का जब हमने पढ़ा है वो, हालांकि वो रिपोर्ट भारत सरकार की है कि 65 वर्ष में हमारे समाज में कितनी कम संख्या आई और दूसरे जिनके कारण, जिनकी विचारधारा के कारण हम पराधीन रहे, जितनी विचारधारा के कारण हम भी पड़ोस में मैम की व्यवस्था से देख रहे थे किसी मेज पर बैठ करके भारत के विभाजन की कथा लिखी गई, उस भारत के विभाजन का पुनः तैयारी करने वाले लोगों को अगर कोई उत्तर दे सकता है तो केवल ऋषि दयानंद का वो आर्य समाज दे सकता है जिसके अंदर स्वराज और स्वराष्ट्र घर घर गया है, नस नस में भरा पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग इन गोष्ठी को सार्थक करें, ऋषि के इस स्वदेशी और स्वभाव को निश्चित रूप से हम जानें और जानने के साथ साथ अपने जीवनों में भी जहां जहां हैं, जिस स्तर पर काम कर रहे हैं, हम ऋषि के ऐसे सैनिकों को याद कर लें। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आर्य समाज से नहीं जुड़े हैं केवल उनके लिए बता रहा हूं कि एक चौकीदार रात की चौकीदारी करता है, दयानंद के भाव को कैसे कैसे लोगों ने जिया और कैसे वो चौकीदारी करते हुए रात को कहता है 5000 साल से सोने वालों जागो। एक अंग्रेज अधिकारी ने सुबह सुबह उसे पूछा, भाई तुम कहते क्या हो ये 5000 साल से सोने वालों जागो, क्योंकि चौकीदार काम होता है जागते रहो कहना है। तो उत्तर दिया, अगर इसका उत्तर चाहिए तो ये दो आने की पुस्तक है, मैं आपको दे दूंगा, इससे जान जाएंगे 5000 साल से हम कैसे सो रहे थे। ऐसे चौकीदारों ने आर्य समाज को 150 वर्ष के बाद यहां तक पहुंचाया है। एक पक्ष और निवेदन कर दूं कि आज आर्य समाज भले ही चिंता कर ले कि हम लोग बड़े कम हो गए, पर इसके साथ बनी हुई समाजों की हालत और देख लीजिए। ब्राह्मण समाज कहीं नजर आता है टॉर्च लेकर, प्रार्थना समाज की नजर आता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की नजर आती है, अगर आर्य समाज आता है तो इसके पीछे गुरुकुल एक एक इकाई, गयाना में बैठे हुए डॉक्टर सतीश प्रकाश, त्रिनिदाद में बैठी हुई मेरी बहन इंद्राणी राम प्रकाश, मॉरिशस जाकर, अन्य देशों में जाकर, मॉरिशस में 400 आर्य समाजें काम कर रही हैं, जिसमें 40 बहनें पंडिताएं हैं, 40-45, मैंने प्रशिक्षण शिविर उनका लिया कई बार, तो ये सारा काम हो रहा है, इसलिए निराश भी नहीं होना है। मेरा मतलब ये भी है, इतने निराश भी ना हो जाए कि हम कहां चले गए, हम विचार के साथ हैं, ऋषि दयानंद हमारे साथ हैं, उनकी विचारधारा हमारे साथ है, तो स्वराज, स्वसंस्कृति, स्वाधीनता, स्वदेश सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आपने मुझे समय दिया और आप कुछ पूछना था। धन्यवाद डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, आपने अत्यंत विचार उत्तेजक व्याख्यान दिया, किंतु मेरा आपसे निवेदन है जो महर्षि दयानंद के वक्तव्य आपने उद्धृत किए उनको और अधिक प्रचारित करें, यथाशक्य जहां हो सके हम सब करें, लेकिन चूंकि आपको ये विषय दिया था तो आप इनको और उनके शब्दों में जो कथन है उनको जहां तहां नारे के रूप में, उद्घोष के रूप में अपने छात्रों में, अपने सहयोगियों में प्रचारित करें। मुझे लगता है इस विषय पर कोई प्रश्न तो होगा नहीं, प्रश्न नहीं है, टिप्पणी समय वैसे हम न, एक मिनट में बात कहूंगा। डॉक्टर विनय विद्यालंकार ने बहुत अच्छी तरीके से अपने विषय के साथ न्याय किया है, जो आपने अपने लाला, क्या नाम थे, लाला लाजपत राय का जो आपने उद्धृत किया कि ये गॉड सेव, इस तरह की बात कही। आज जो हमारा राष्ट्र गान है वो तो जॉर्ज पंचम की स्तुति में है, ये लोगों को पता लगना चाहिए इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मतलब जो आपने बात को बढ़ाया कि जनगण मन अधिनायक जय है, ये जॉर्ज पंचम की स्तुति में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो ये चीज भी आनी चाहिए। निर्विवाद है, इसको देखिए और इसको यहाँ मत उठाइए, राष्ट्रगान के विषय में चर्चा न करें, ये मेरा निवेदन है। इसलिए अब जब वो हमारा स्वीकृत उद्घोषित राष्ट्रगान है उस विषय में हम चर्चा न करें, मर्यादा के उसमें रहें। जी एक चीज इसमें जरूर है, राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व जो है गलत का व्यक्ति, मामूली आदमी नहीं। जलंत जी प्लीज, ये भी उसमें नहीं, ये भी विषय अंतर होगा, राजा राम मोहन राय पर नहीं, ईसाइयत के खिलाफ बहुत दिखाया था, अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, उनके व्यक्ति ने बहुत पूरा राजा राम मोहन का पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है, वो अंग्रेजी सरकार के साथ लेकिन ईसाइयत के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ बहुत किताबें उन्होंने, ये बताना जी। हमारी अगली वक्ता हैं
आचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी, हम सब जानते हैं आप इस समय पाणिनी कन्या विद्यालय वाराणसी की आचार्य हैं और व्याकरण की विदुषी हैं। आपने विश्ववारा नारी ग्रंथ लिखा है और भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन परिचय इन्होंने भी बहुत मांगने पर भी लेख तो दे दिया, परिचय नहीं दिया। तो मुझे लगता है उन लोगों का, आचार्यों का कार्य ही इनका परिचय है, और ये जो ब्रह्मचारिणियां बैठी हुई हैं, सबसे साक्षात और बड़ा परिचय इनका यही है। एक सेकंड ले लूं आपका आचार्य जी, प्लीज इसको अब वो शुरू खड़ी हो गई मर्यादा सभा की प्रश्न आया इसकी बात उस समय दे देती, अब दूसरी वक्त्री खड़ी हो गई है सामने जी, लिख कर भेज दीजिए उनके। विषय अपना बता दीजिएगा जी। सर्वेभ्यो नमः। इस प्रतिष्ठित भारतीय उच्च अध्ययन केंद्र की संस्थान की अध्यक्षा और विदुषी हमारी बहन डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी, संस्थान के उपाध्यक्ष भाई मोहित जी और सभी जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे सभी समादरणीय हैं, पूज्य हैं, अपने अपने स्थान पर एक अपना गौरव रखते हैं। सभी को मैं प्रणाम करती हुई अपने विषय को प्रस्तुत करूंगी। मुझे यह अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत धन्यवादी हूँ। मेरा विषय है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का स्वरूप, महर्षि दयानंद के आलोक में। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, महर्षि दयानंद की विरासत की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस महर्षि ने उस काल में इस बात को अनुभव किया कि आज जो भी समाज में ढोंग पाखंड अज्ञान अंधकार हर क्षेत्र में, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, उन सब का मूल कारण हमारी अशिक्षा है। हमारे जो मूल वेद हैं, वेदांग हैं, उनके अध्ययन का अभाव है, जिसके कारण से चाहे स्त्री शिक्षा हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, सती प्रथा हो और अन्य धार्मिक क्षेत्र में अनेक ईश्वरवाद है, अवतारवाद है, ईश्वर का स्वरूप साकार स्वरूप है, मूर्ति पूजा है, इन सब का यदि कोई उत्तर हो सकता है तो वो वेद से ही दिया जा सकता है। और वेद को ही परम प्रमाण, स्वतः प्रमाण मानते हुए अपने ग्रंथों में इस बात को उन्होंने उल्लेख किया कि जो वेद के अनुकूल है वो मान्य है और जो वेद के प्रतिकूल है वो अमान्य है। इसलिए वेद वेदांग का अध्ययन अति आवश्यक है और वो हमारे यहाँ परंपरा से गुरुकुलों में ही होता आया है। गुरुकुल में जो पहला ही शब्द गुरु है, वहां पर उस गुरुकुल का उद्देश्य, वो छोटा सा जो भी संस्थान है उसका जो भी आचार्य है हम उसको गुरु कहते हैं, लेकिन वो आचार्य भी कहता है अग्निराचार्य स्तव, मैं तेरा आचार्य नहीं हूँ, मैं तो केवल एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और सएष पूर्वेशामपि गुरु हूँ। गुरुओं का गुरु तो वह परमेश्वर है जिसने हमें वेद ज्ञान दे करके सृष्टि के आदि में हमारी आंखों को खोला, हमें हर प्रकार का ज्ञान प्रदान किया। तो उस गुरु कुल से मतलब है, ये गुरु का कुल है संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें परमेश्वर सबसे बढ़कर आचार्य है और हम सब यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम उसके एक परिवार हैं, परिवार के अंग हैं। और परिवार के अंग में किसके लिए क्या आवश्यक है, आरंभ शिक्षा से होता है। कोई भी बालक हो या बालिका हो, यदि उसका निर्माण करना है तो वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। और शिक्षा का मूल गुरुकुल यानी आर्ष विद्या, गुरुकुल का आरंभ वेदों के प्रमाण से ही देखें महर्षि ने उद्धृत किया। उन्होंने इस शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण माना कि प्रथम समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश लिखते हुए प्रथम समुल्लास में जहां सबसे पहले ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बताया, उसके अगले ही समुल्लास में संतानों की शिक्षा और अध्ययन अध्यापन विधि विषय को द्वितीय तृतीय समुल्लास में रखा।
उन्होंने बताया कि अथर्ववेद में जो मंत्र आता है कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, आचार्य उपनयन करता है, शिक्षा के लिए उपनयन करना पड़ता है, शिक्षा देने के लिए आचार्य गुरु कहीं उठ करके जाता नहीं है, अभी तो बालक को अपने समीप रखता है, अपने इर्द गिर्द उसको रखता है और वहां पर उपनयन संस्कार करते हुए आचार्य जब बालक को प्रदक्षिणा करने के लिए कहता है तो एक वाक्य कहता है, सूर्यस्य आवृतम अन्वा वर्तस्व, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह सब घूम रहे हैं उसी प्रकार आचार्य को केंद्र बना करके तुमको अपना जो आगे का जीवन है, अपना शिक्षा का काल है, ब्रह्मचर्य का काल है, वो आचार्य को ही केंद्र बना करके तुम्हें रखना है, उसकी आंख से देखना है, उसके कान से सुनना है, उसकी रसना से, उसकी जिह्वा से तुम्हें भोजन करना है, तुम्हारा अपना कोई स्वाद, अपनी कोई सोच। अपने महर्षि दयानंद भी जब पढ़ने के लिए गए तो गुरु गिरिजानंद क्या कहते हैं, जो भी पढ़ के आए हो, जो भी तुम्हारे पास पुस्तकें हैं उनको गंगा में प्रवाहित कर दो, भूल जाओ। तो तुम अब यदि गुरु से पढ़ना है, यदि आर्ष दृष्टि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी आंख से देखें, उस कान से सुने। और जहां उदाहरण दिया कि जैसे माता गर्भ में बच्चे को धारण करती है तो बालक का उस जो गर्भ पनप रहा है उसका उसकी अपनी आंख नाक कान कुछ भी नहीं है, वो सहज है, आसान है, लेकिन अपनी आंख नाक कान जीवा होते हुए आचार्य की आंख से देखना सुनना ये बहुत बड़ा तप है। इसीलिए ब्रह्मचर्य सूक्त में बार बार इस बात पर कहा गया है कि आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पूर्वक चाहता है और ब्रह्मचारी आचार्यम तपसा पिपर्ति, आचार्य को तप से पूर्ण करता है, श्रमेण तपस मेखलया, इन सब को वहां पर मूल बिंदु केंद्र में रखा हुआ है। तो शिक्षा और वो भी गुरुकुलीय शिक्षा का मूल आदर्श, उसका उसकी आवश्यकता ने जो अनुभव की वो वेद को केंद्रित करके है, वेदांग को केंद्रित करके है, क्योंकि ये भी बात है आर्ष विद्या, इसीलिए उसको कहा ऋषि ही ईश्वर है, ऋषि ईश्वर को कहते हैं क्योंकि सर्वदृक, ऋष धातु दर्शन अर्थ में, ऋषि दर्शनात, तो वो सर्वद्रष्टा है, तो ऋषि सबसे पहला ऋषि वेद है और हम वेद से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दृष्टि प्राप्त करते हैं, तो इसलिए ऋषि को वेद को भी ऋषि ही कहा गया है। तो उस ऋषिणा प्रोक्त परमेश्वर के द्वारा प्रोक्त जो ज्ञान है वेद के रूप में उसका अध्ययन अध्यापन करना यही आर्ष शिक्षा पद्धति है। और गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य आर्ष शिक्षा पद्धति को प्रचारित प्रसारित करना है मुख्य रूप से। तो इस उद्देश्य के लिए हमारे यहाँ बहुत अपने यहाँ तो जो गुरुकुली शिक्षा परंपरा का परंपरा की समाप्ति स्वयं मैकाले द्वारा कराई गई और इससे पहले गुरुकुल ही हुआ करते थे और गुरुकुलों में ही पठन पाठन हुआ करता था, जिसके कारण से हमारी ये यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध थी। मैं इस विषय में मैकाले को उद्धृत करना चाहती हूँ। वो वहां पर जब लंदन में गया अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए उसने कहा कि मैंने पूरे भारतवर्ष को घूम कर देखा है, मुझे भारत में एक भी भिखारी नहीं मिला, चोर नहीं मिला, सब धान धान्य से भरे हुए हैं, उनके घरों में सोने चांदी के ढेर लगे रहते हैं, हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते, हमें भारत को यदि गुलाम बनाना है तो सर्वप्रथम उनकी जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है उसे समाप्त करना होगा, उनके गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना होगा। यानी उस सबका इतना जो वैभव है भारत का, भारत जो विश्व का गुरु कहा गया, उसका मूल क्या है, ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है और गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य आर्ष शिक्षा पद्धति है। और आर्ष में भी जो वेद के अंग है व्याकरण, उस व्याकरण को पतंजलि मुनि ने जिस तरह से व्याख्यायित किया, उन्होंने कहा कि वेद व्याकरण पढ़ना क्यों है, कहते वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना है। अपने काशी में जो कि विद्वानों की नगरी कही जाती है, अनेक व्याकरण के विद्वान बैठे हुए हैं। हम लोगों के जीवन में हम सब तीनों जानते हैं, यहाँ पर बैठी हुई मेरी सहाध्यायिनी, तो
वहां पर एक विद्वान 90 वर्ष के विद्वान पढ़ाने के लिए आते थे और वो उनको व्याकरण सब रटा हुआ था, लेकिन उन्होंने वेद के दर्शन नहीं किए थे अपने जीवन में। और हम लोग तो भाई गुरुकुल के हैं तो कुछ ना कुछ बात बात में वेद और इस पर की चर्चा करते रहते थे। तो उन्होंने कहा, क्या तुम लोगों ने वेद देखे हैं? हमने कहा, हाँ गुरुजी, हमने वेद देखे हैं, वेद हमारे पास हैं, हम लोग वेद का प्रतिदिन पाठ करते हैं, मुझे वेदों के दर्शन करा दो। उनको वेद हमने दिखाए, सिर पर उन्होंने उसको स्थापित किया। और मतलब व्याकरण पढ़ करके, जिस व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है वेदों की रक्षा करना, आपके व्याकरण पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं लेकिन वेद तक पहुंचना आपका उद्देश्य ही नहीं है। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, छहों अंगों में वेद के जो अंग हैं उनमें व्याकरण को प्रधान कहा गया है। और प्रधाने च कृतः यत्नः फलवान भवति, जब प्रधान में व्याकरण में हम परिश्रम करेंगे तो मेरा यत्न पुरुषार्थ फलवान होगा। लोगों को वेद रटे हुए थे। महर्षि दयानंद ने इस बात को अनुभव किया, लोगों को वेद याद हैं, वो सस्वर सारे 8 विकृतियां उनके साथ, उनको कंठस्थ हैं, उन्होंने वेदों की रक्षा की, इसका उपकार हम भूल नहीं सकते। यदि वे परंपरा न होती और वेद हमारे पास उपलब्ध न होते तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने वेदों को सुरक्षित किया लेकिन वेदार्थ पर उनका कोई ध्यान नहीं गया, और उन्होंने इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे विनियोग प्रस्तुत किए। उद्बुद्ध स्वागने से बुध देवता का आह्वान, बुध ग्रह का आह्वान कर रहे हैं, शनो देवी से शनि ग्रह का आह्वान कर रहे हैं। इसका उल्लेख करने लग जाऊंगी तो विषय अंतर हो जाएगा। तो जबकि निरुक्तकार जो कि व्याकरण का पूरक है, यास्क कहते हैं कि अर्थम वाचः पुष्प फलम आह, वेद वाणी का पुष्प और फल वेद का अर्थ है। और आप केवल शरीर को संभाल करके रखे हुए हैं, उसकी जो आत्मा है उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो महर्षि ने इस बात पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया और फिर से जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी, गुरुकुलीय परंपरा थी, उसको उन्होंने स्थापित करने के लिए एक हमारे सामने रखा। और जिसमें गुरुकुल की स्थापना के मुख्य बिंदु उन्होंने जो है जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं तो कुछ कुछ आदर्श उन्होंने रखे कि लड़के लड़कियों के गुरुकुल दूर होने चाहिए, 2 कोस दूर होने चाहिए। वहां पर लड़कियों की पाठशाला में, गुरुकुल में कोई पुरुष नहीं आना चाहिए, पुरुषों के 5 वर्ष का बालक भी नहीं आना चाहिए। और उस अध्ययन काल में कहते हैं अपने माता पिता से, अभिभावक से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, पत्र व्यवहार मिलना जुलना नहीं होना चाहिए आदि बहुत ऊंचे ऊंचे आदर्श थे। उन आदर्शों में हम चार जो अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिकाएं कहे जाते हैं, हम उसमें पले बढ़े तभी कुछ निर्मित हुए। आज हर साल बच्चे आ रहे हैं, इनको घर ले जाना है, इनको घर ले जाना है। हम 10-12 वर्ष घर नहीं गए, हमें माता पिता आते भी थे तो दूर बैठे रहते, हमसे मिल नहीं सकते थे, उनसे बात नहीं कर सकते थे। किसी कार्यक्रम में आयोजन में वो आया करते थे, हम उनसे बात नहीं कर सकते थे, उनसे अपनी कोई मनचाही चीज, उनसे ये खाने के लिए ला दो, ये कर दो, ये कह नहीं सकते थे। आज बच्चे हर रोज बिस्कुट आ रहे हैं, हर कुरकुरे आ रहे हैं, हर रोज अभिभावक आ रहे हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते है, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। तो वो सब आदर्श हम लोग गुरुकुल, वही गुरुकुल चला रहे हैं लेकिन वो आदर्श धूमिल होते जा रहे हैं। तो इस परंपरा में अपने यहाँ जो शिक्षा का अभाव था, उस शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए सर्वप्रथम डीएवी की स्थापना हुई, कन्या विद्यालयों की स्थापना हुई। और डीएवी की स्थापना करके लोग संतुष्ट नहीं थे, उसके जो भी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हों, मुंशी राम जी हों और जो अपने देवराज जी हों, उनके मन में था कि जो महर्षि की आत्मा इसमें नहीं है, महर्षि की आत्मा जो वेद और आर्ष पर थी वो तो इससे नहीं हो सकती पूरी। और उन्होंने गुरुकुल को खोलने के लिए अपने पूरे संघर्ष पूरे उसको लगाया और गुरुकुल सबसे पहले जो सर्वप्रथम गुरुकुल खुला वो गुरुकुल कांगड़ी था, हरिद्वार में था। हम सब जानते हैं महात्मा के सत प्रयास से वो गुरुकुल खुला। और गुरुकुल के बहुत मतलब हमारे समाज का इतिहास पढ़ करके देखो कि हम उस जमाने को पढ़ करके ही जान सकते हैं, हम किसी से सुना हुआ तो नहीं जान सकते हैं। तो उन्होंने जो है
गुरुकुल की स्थापना के मुख्य बिंदु रखे, उसमें लिखा सत्य शास्त्रों के साथ वेद वेदांगों का अध्ययन कराना, वैदिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन कराना, बच्चों को देशभक्त राष्ट्रभक्त बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य करना, सरकारी यूनिवर्सिटियां और उनकी परीक्षाओं के दोष से बच्चों को दूर रखना, आचार्य का ब्रह्मचारियों के साथ पुत्रवत स्नेह व्यवहार रखना, प्रयास रहे शिक्षा निःशुल्क हो, पाश्चात्यों द्वारा लिखित अशुद्ध इतिहास के स्थान पर भारत देश का शुद्ध इतिहास पढ़ाना, ये मुख्य बिंदु रखे गए थे। और इनको लेकर के जब शुरुआत हुई तो पहले झोपड़ियां बनी, धीरे 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 करके बहुत प्रयास से, और उनका मन में जब गुरुकुल की स्थापना हो रही थी, मन में था उपहवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, कि पर्वतों की कंदराओं में, नदियों के संगम में, ऐसे स्थान पर जहाँ पवित्र वातावरण हो, जहाँ पर ऋषियों का निर्माण, सद्बुद्धि के निर्माण के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अभी तो पर्यावरण ही, परिवेश ही हमें उसका निर्माण तैयार कर देता है, तो उन्होंने उसको खोला। और उस लिखते हैं यहाँ पर, संस्कृत वेद दर्शन की पढ़ाई अनिवार्य थी, जैसा कि मैंने लिखा उद्देश्य में, जिसका परिणाम था विद्यार्थी गणित रसायन विज्ञान इतिहास आदि कोई भी विषय ले पर संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे, चाहे वो गणित पढ़े चाहे रसायन पढ़े, उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा और चिकित्सा शास्त्र पढ़ा, लेकिन वे सब संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे और वेद शास्त्रों में उनकी समुचित गति होती थी, जिसका परिणाम था कि गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने, महर्षि दयानंद ने जो कहा कि हमारे आर्ष ग्रंथों में प्रक्षेप प्रक्षेप हर जगह प्रक्षेप हुआ है, उन सबको, और जो लोग लोग कहा करते थे हम तो संस्कृत नहीं जानते जी, हम तो इन सब ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम क्या करें कैसे करें, उन सबको हिंदी में अनुवाद गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने कितना कार्य किया है उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। और सब भाव से भरे हुए थे, प्रेरित थे, और सब सिद्धांत अलंकार आयुर्वेद अलंकार, और उनके जो स्नातक निकले हुए हैं उनकी सूची दी जाए, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, सत्यकाम विद्यालंकार, सत्यपाल विद्यालंकार, जयदेव विद्या, चारों वेदों के भाष्य, निरूपण विद्यालंकार, हरिदत्त विद्यालंकार, ईश्वर दत्त विद्यालंकार, प्राणनाथ विद्यालंकार, एक बहुत लंबी सूची प्रस्तुत की जा सकती है जिन्होंने काम किए। और इन गुरुकुल कांगड़ी को लेकर के लोगों ने आदर्श बना करके अन्य संस्थान खुले, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि गुरुकुल कांगड़ी मेरे सामने आदर्श है, जिससे प्रभावित होकर के हमने ये वहां पर गुजरात विद्यापीठ का अहमदाबाद में उद्घाटन, महात्मा गांधी ने जो शब्द कहा था कि गुजरात नेशनल कॉलेज राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है, यह सब कन्या महाविद्यालय जालंधर और गुरुकुल कांगड़ी को के उदाहरण को सामने रख करके किया है, ये मेरे लिए आदर्श है। और उस समय भी इतना सरकारी तौर पर गुरुकुल कांगड़ी का इतना, यहाँ के यहाँ से तो राष्ट्रद्रोही तैयार हो रहे हैं, यहाँ से तो देशभक्त नहीं तैयार हो रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें लोग कहा करते थे, लेकिन स्वयं जब पाश्चात्य विद्वान वो लोग वहां पर आए और उन्होंने देखा और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तो वो तब उनको पता चला, वहां पर आए सबसे पहले मॉडर्न रिव्यू कलकत्ता में, उन्होंने एक लेख लिखा था कि जिस भारत को मैं जानता था, जिस भारत से मैं प्रेम करता था, जो भारत मेरे स्वप्न में था, वह मुझे गुरुकुल कांगड़ी में देखने को मिला। मैंने अपने सम्मुख उस मातृभूमि को देखा जो न शोकातुर थी और न श्रांत वक्लांत, जिसमें अनंत अनश्वर यौवन था, वहां के ब्रह्मचारी विद्यार्थी इस तरह के उनके अंदर तेज था, जो वसंत के समान ताजा व नव यौवना थी, यहाँ इस गुरुकुल में यह नव भारत विद्यमान था। इसी प्रकार से जो है जेम्स मेस्टन ने लिखा कि एक आदर्श विश्वविद्यालय की मेरी कल्पना इस गुरुकुल में मूर्त रूप लिए हुए है। और इसी बात को अन्य विद्वान ने लिखा कि पश्चिम की अच्छाइयों को और पूर्वी आदर्श से मिलाकर, यहाँ पर मैंने दोनों को, पश्चिम और पूर्व को मिला करके एक नया जो स्वरूप स्थापित किया गया है, क्योंकि महर्षि भी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे, आधुनिक शिक्षा के विरोधी नहीं थे, उन सबको गुरुकुल कांगड़ी में आरंभ से ही आर्ष शिक्षा यानी वेद की शिक्षा के साथ, वेदांग की शिक्षा के साथ साथ, ये सभी गणित रसायन अर्थशास्त्र आयुर्वेद सब चीजों को उन्होंने आरंभ से ही रखा। और उस समय जो अफसर थे वो उनके लिए गुरुकुल कांगड़ी एक रहस्य था, कहते हैं जिसमें एक भी अध्यापक अंग्रेज नहीं था,
उनके लिए आश्चर्य की बात थी, यहाँ से एक हैं, लेकिन उनके यहाँ एक भी अध्यापक अंग्रेज नहीं है। उन जिसकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है, सब कुछ हिंदी भाषा में ही पढ़ाया जाता है, जिसकी अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं, जिसकी अपनी पाठ विधि है, जिसकी अपनी डिग्रियां हैं, ये उनके लिए एक रहस्य था, आश्चर्य था। और उस बात पर वो और जिसके खर्चे सरकारी सरकार के द्वारा वो पल्लवित प्रोत्साहित नहीं थी, अपितु जिसकी खर्चे जो है सरकारी नहीं अपितु जनता पर निर्भर थी, तो ये उस समय का जो गुरुकुल का महर्षि दयानंद का आदर्श आर्ष विद्या का और उसका जो कार्य है इतना महनीय है कि जिस पर कई पन्ने रंगे जा सकते हैं। और उसी गुरुकुल कांगड़ी को उद्देश्य लेकर के बहुत से गुरुकुलों की आगे स्थापना हुई जो कि आर्ष विद्या को लेकर के चले, जिसमें गुरुकुल वृंदावन है, गुरुकुल ज्वालापुर है, झज्जर है, सूपा में गुजरात की स्थापना हुई, हरियाणा के रोहतक जिले में स्थापित हुई, कुरुक्षेत्र में स्थापित हुई, सबसे पहली शाखा मुल्तान में खुली, इस प्रकार इंद्रप्रस्थ में खुली, तो ये बहुत सारे गुरुकुल खोले गए और इन सबको लोगों ने एक आदर्श माना। फिर उसके बाद गुरुकुल लड़कों के गुरुकुल के साथ साथ उसी समय से था कि लड़कियों का भी गुरुकुल खुलना चाहिए और उसके लिए एकदम जिसको कहते हैं विचलित हो जाना, जब स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ ये घटना हुई, उनकी स्वयं की बेटी स्कूल से पढ़ करके आती है और जिन शब्द उस कविता को दोहराती है, एक कविता सुना रही हूँ, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा बोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, तो इसको सुन करके वो चौंक पड़े कि क्या ये पढ़ाई हो रही है, इनको ईसाई बनाया जा रहा है। और उस वो रात भर सोए नहीं और उन्होंने पंडित के साथ जो है जालंधर आर्य समाज के प्रधान थे लाला देवराज जी, उनके साथ मिलकर के इस पर पूर्ण निश्चय कर लिया, अब तो गुरुकुल खोलना ही है। और उस गुरुकुल खोलने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और वो सबसे पहले जालंधर कन्या महाविद्यालय खुला, जिसके और जालंधर कन्या महाविद्यालय के माध्यम से बहुत उसका नाम हुआ, लोग उसको एक आदर्श मानने लगे कि कन्या महाविद्यालय जालंधर माने कन्याओं का भी, कन्याओं को भी शिक्षा दी जा सकती है और किस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। उस समय वो आदर्श रूप में स्थापित हुआ और धीरे धीरे कन्या गुरुकुल हाथरस की स्थापना हुई, सबसे पहला कन्या गुरुकुल जो कि सन 1909 में स्थापित हुआ, जिसमें हमारी अपनी सामान्य अध्यक्षा जी वहां पर उन्होंने 4-3 वर्ष अध्ययन किया। तो सचमुच मैं भी कह रही थी इस बात को कि अपने गुरुकुलों में जो 2-3 वर्ष भी पढ़ करके गई हैं, वो यही समझती है कि मैं इस विद्यालय की स्नातिका हूँ, इस गुरुकुल की स्नातिका, क्योंकि इतने भाव पर दिए जाते हैं, उनके अंदर इतना आंतरिक उनके अंदर ज्ञान और जो दृष्टि प्राप्त हो जाती, सब हर चीज के पीछे दृष्टि है। हम 12 साल भी कहीं रह ले, लेकिन उस दृष्टि को हमने आत्मसात नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो दृष्टि हम 5 मिनट में भी किसी किससे प्राप्त कर सकते हैं और मेरे जीवन को वो निखार सकती है। तो उस कन्या गुरुकुल हाथरस की स्थापना हुई सन 1909 में, लेकिन फिर 22 वर्ष तक किसी कारण से वो बंद रहा। फिर 1931 से विधिवत वो खुली और उसके बाद से वहां पर जो उपाधियां दी जाती थी, विद्या विभूषिता की उपाधियां दी जाती थी और उसकी सर्वप्रथम मुख्य अधिष्ठात्री जो थी वो लक्ष्मी देवी जी थी। फिर उसके बाद महेंद्र प्रताप जी साथ साथ थे और अक्षय कुमारी जी, ये सब लोग ने मिलकर के उसको बहुत आगे बढ़ाया। और उसके बाद कन्या गुरुकुल देहरादून की स्थापना हुई, जिसमें जिसका पाठ्यक्रम गुरुकुल कांगड़ी को आधार बना करके ही रखा गया था और वहां पर दूर दूर से कन्याएं, सुदूर बर्मा, फिजी, अफ्रीका आदि देशों से भी यहाँ कन्याओं का प्रवेश उस समय हुआ, जिसकी स्नातिकाओं में इन्होंने आर्य समाज के बहुत बड़े बहुत काम किए। गुरुकुल देहरादून की जो स्नातिकाएं निकली, श्रीमती सत्यवती विद्यालंकृता आर्य समाज अफ्रीका, शांता विद्यालंकृता नैनीताल आर्य समाज, सुमेधा विद्यालंकृता नागपुर आर्य समाज, श्रीमती चंद्र प्रभा विद्यालंकृता आर्य समाज सरगोधा पाकिस्तान, दिल्ली की अन्य समाजें, और सुशीला देवी विद्यालंकृता हैदराबाद आर्य समाज, दयावंती विद्यालंकृता जयपुर आर्य समाज आदि, और दलित विद्या दलितों के लिए भी कार्य करने के लिए वहाँ पुष्पावती विद्यालंकृता ने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। इसी के साथ कन्या गुरुकुल हरिद्वार, जहाँ पर आयुर्वेद की शिक्षा को अग्रणी रखा गया, आर्ष कन्या कार्य कन्या गुरुकुल बड़ौदा की स्थापना हुई, जिसमें शारीरिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। यहाँ की कन्याएं अफ्रीका, बर्मा आदि देशों में जाकर के इन्होंने गुरुकुल का खूब नाम किया, प्रचार किया और वहां से कन्याएं आना जाना, और वहां से आज भी कल चर्चाओं में सुन रहे थे कि दूर दूर से वहां पर
आज भी लोग जानते हैं कन्याओं को वहां पर भारतीय समलंकृता की उपाधि दी जाती थी। गुरुकुल पोरबंदर भी साथ साथ ही स्थापित हुआ, सुपा की लड़कों का गुरुकुल था। हरियाणा में कन्या गुरुकुल खानपुर कला, सोनीपत कन्या गुरुकुल नरेला, जहाँ पर विशेष रूप से वेद वेदांत की शिक्षा के साथ साथ कृषि संबंधी जानकारी भी दी जाती थी। तो ये सब गुरुकुलों को, ये सब आर्ष विद्या है, कृषि की शिक्षा भी वेदों से ही मिलती है। और उसके बाद हमारे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की मैं चर्चा करना चाहूंगी, जिसकी स्थापना सन 1971 में हुई और उसकी संस्थापिका थी आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और उनकी सगी छोटी बहन आचार्य मेधा देवी जी, जिनके सगे छोटे भाई हमारे बीच में डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य जी बैठे हुए हैं। मैं उनकी सगी भांजी हूँ, ये मुझे गौरव होता है। तो उन्होंने स्थापित किया और उसका कण कण उनके रक्त से, उनके पसीने से सिंचित है। क्यों? क्योंकि उनके पास न कोई पारिवारिक, न कोई आर्थिक और न कोई कुछ भी, किसी का कोई उनके साथ कोई अवलंब नहीं था। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया, जो कुछ बनाया, अपने तप से, अपने प्रयास से, एक पैर उनका गुरुकुल में रहता था और एक पैर बाहर यात्रा के लिए रहता था। और उस आरंभिक काल में हम छोटे छोटे थे, 8 वर्ष के 7 वर्ष के, उनके साथ, क्योंकि आचार्य जी जा रही हैं तो एक नमूना भी साथ में जाना चाहिए। उदाहरण, वो बच्चा वेद पाठ सुना रहा है, घन पाठ सुना रहा है, जटा पाठ सुना रहा है, भाषण दे रहा है, तो उनके साथ हमने बहुत यात्राएं की हैं बचपन में। और उसी बचपन में उसका प्रभाव था कि मैंने कम से कम अपने बचपन में लिखा एक छोटी सी डायरी में कि मैं अपने जीवन में 100 आर्य समाज स्थापित करके मरूंगी, 1000 कन्याओं को मैं जो है यज्ञ पवित्र दे करके मरूंगी। तो ऐसे से इतना उत्तेजित और इतना उद्वेलित, और कहा करते थे पंचांत प्रकाश जी शास्त्रार्थ महर्थी उसके संरक्षक थे आरंभ से ही, वो कहा करते थे इसके अंदर बहुत जो है कठिनाइयों को सहन करने की इसके अंदर बहुत क्षमता है और ये एक यज्ञ और इत्यादि की तो बहुत प्रकांड वो बनेगी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो आचार्य जी का निर्माण किससे हुआ? पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, जो कि पद वाक्य प्रमाणज जी उनको कहा गया, उपाधि दी गई, जिनके अंदर व्याकरण भी, मीमांसा भी और न्याय दर्शन, इन सब का पूरा ज्ञान था। जो केवल लड़कों को ही पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा सा भी जब कहीं ऐसी स्थिति आती है, उसका परिणाम क्या होता है, कई कई बार थोड़ी छूट देनी पड़ती है। और उन्होंने वो छूट दी कि आचार्य जी को जब उनके पास ये आया कि हम आचार्य जी की जो माता जी थी नानी जी, उन्होंने कहा कि हमारे पति देव तो चले गए हैं और वो आपसे पढ़ने के लिए वहां पर लाहौर में आया करते थे और आप अब काशी में आ गए हैं, तो वो उनका असमय में देहांत हो गया है, मैं चाहती हूँ। उन्होंने सब बच्चों को अष्टाध्यायी याद करा दी थी बचपन से और उनको हजारों श्लोक जो कि सत्यार्थ प्रकाश के इन सब के थे वो रटवा रखे थे, उनको रूप रटवा रखे थे। तो इनको लेकिन उनमें अग्नि है, ये संविधा बन सकते हैं, लेकिन उस संविधा में तो आप ही कर सकते हैं, जो पिता थे वो तो चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ सब बच्चों को लेकर के। उस समय के लिखते हैं वो आकाश वृत्ति, उन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। और उस स्थिति में वो गुरुजी के पास पहुंच गए। माता जी का बहुत बड़ा साहस था कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहां पर गई। आचार्य जी उसमें सबसे बड़ी थी, उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। उनसे 10 वर्ष छोटी आचार्य मेधा देवी जी थे, आचार्य सुद्युम्न जी भी थे, डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य जी। तो इन सबको उनसे दृष्टि प्राप्त की, उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। जरूरी कि उनसे एक एक अक्षर पढ़ा हो, क्योंकि इतना नहीं होता है, लेकिन उन्होंने आर्ष दृष्टि, एक एक आर्ष ग्रंथों को बहनें बताती थी। पुस्तकालय जब महाभाष्य का अध्ययन पूरा हो गया तो पुस्तकालय में लेकर के एक एक ग्रंथ से परिचय कराया, देखो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये श्रौत सूत्र है, ये है, इसको तुमको पढ़ना है, इसको तुमको जानना है। तो आर्ष दृष्टि उन्होंने दी। और जब उनके सामने वो अपने मुंह से कहा करते थे, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तुमने जो पढ़ा है वो ऐसे अपने पढ़े हुए तुम 10 विद्यार्थियों को अपने जीवन में तैयार कर दो, मेरा मेरी गुरु दक्षिणा और कुछ नहीं चाहिए। आचार्य जी ने इसी विचार को, इसी अग्नि को अपने अंदर समाहित करके उन्होंने ये निश्चय किया कि जो हमारे गुरु जी की जो भूमि रही है, जहां पर उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उसी पुण्य भूमि पर जो काशी विद्वानों की नगरी है, हम उसी स्थान पर पाणिनि के आलोक को जीवित रखेंगे। वो पाणिनि विद्यालय से के नाम से चलता था, जो बाद में सोनीपत चला गया, बहलगढ़ चला गया, और
उसी स्थान पर उन्होंने कन्या महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया कि मुझे यहीं पर कन्याओं में आर्ष विद्या को प्रचारित प्रसारित करना है, कन्याओं को वेद की विदुषी बनाना है। और उन्होंने शुरू से ही आदर्श उद्देश्य रखा कि प्राचीन आर्ष प्रणाली को पुनरुज्जीवित करके बालिकाओं एवं महिला जगत को विशेष रूप से अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा वेद वेदांगादि विषयों में पारंगत कराते हुए उन्हें विदुषी एवं गृह कार्यों में सुदक्षा बनाना है। इस उद्देश्य को लेकर के वो चली। और सच बताते हैं, हम लोग मोती झील में रहते थे उस समय से ही उन्होंने हमें जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय पढ़ाना शुरू कर दिया, पुरुष सूक्त पढ़ाना शुरू कर दिया। हम उस समय 8-9-10 साल से बड़ी उम्र के नहीं थे, लेकिन हम नोट्स बनाते थे। हमारी कापियां उस समय की बनी हुई है, अभी भी सुरक्षित है। हम नोट्स को बनाते थे। उस समय बाल सभा हुआ करते थे, हम संस्कृत में बोलते थे। धारा प्रवाह ऐसा वातावरण तैयार किया हुआ था। उस समय जय देवी बहन जी थी, जो कल विश्व जी बोल रहे थे, उनकी माता जी उनकी अभिन्न मित्र थी, वो वहां पर रहती थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था हर समय संस्कृत बोलना। तो इस वातावरण में उस समय वो क्या कहते हैं अपने गोपद ब्राह्मण भाष्य अथर्वेद भाष्य का संपादन भी कर रही थी। उस संपादन में हम लोगों को उन्होंने साथ में लगाया। और कहां से लाते, हम स्वर मिलवा रहे हैं, हम व्याकरण के पते निकाल रहे हैं, उसमें सारे नीचे पते दिए हुए थे, उड़ादी निकालो, ये निकालो, वो पता निकालो, ये निकालो। तो उसके साथ हमारा मने हमारा मूल सिंचन ही वहीं से हुआ है कि तुमको व्याकरण और ये सबको पूरा जानना है, वेद का तुमको ज्ञाता बनना है, तुमको इन भाष्यों को इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना है। तो वहीं से उन्होंने निर्माण किया और गुरुकुल की स्थापना के लिए भयंकर आचार्य जी की यात्राएं थी। और उस समय न लाइट थी, न पानी था, न मकान था। हम उस समय आसपास के लोग का क्षेत्र ऐसा था कि लोग दिन में भी जाने से निकलने से डरते थे। आसपास आम का खटिक था तो हम लोग लाठी लेके निकला करते थे हर समय। लाठियां विद्यालय गुरुकुल से बाहर निकलना है तो लाठी साथ ले करके निकलना है। हम यात्राओं में भी जाते थे तो लाठी साथ ले करके जाते थे और वो हमारे काम आती थी। बिस्तर उठाना होता था ना, पहले पेटिंग होती थी तो लाठी पे लटका करके और चल पड़ते थे। तो हम छोटे से बिस्तर उठाना, ट्रंक उठाना, अब तो अटैचियां बड़ी सुविधाजनक सब हो गई, खींच लेते हैं, लेकिन उस समय फिर उन्हीं को रास्ते में रिजर्वेशन नहीं होते थे। वो ट्रंक ही 3 बिछा लिए, उसी को एक सीट बना ली, उसी के बीच में सो गए, उसी तरह रहे। तो बहुत कठिनाइयां और संघर्षों के साथ उस समय हम लोग जो है निर्भीता से रहते। लोग कहते थे ये लाठी लेके क्यों जाते हो, कि लाठी समझावर लाल है, कोई भी बिगड़िया तिगड़िया ना कहते हैं ना कि लाठी जो है बिगड़े तिगड़े को संभालने वाला। और कई बार ऐसा होता था, कई मन चले वहीं से निकल करके। और एक बार थी विनय शीला जी थी, बहुत बड़े अच्छे बीए करके आई थी वहां पर पढ़ने के लिए, एमए करके वहां से पढ़ने के लिए आई सुश्री डॉक्टर ज्योतिषमती जी। वो वनस्थली विद्यापीठ से एमए कर चुकी थी, उनके पिताजी स्वामी जी थे आनंदानंद जी, वो उनको लेकर के आए। शुरुआत में माने उस समय जहाँ पर छत चूती थी, जब मोती झील में रहते थे ऊपर से छत चूती थी, वहीं पर थोड़े से स्थान पर गाय बंधी होती थी, क्योंकि गुरुकुल का आदर्श गाय साथ साथ होना चाहिए, गाय बंधी होती थी। उस चूते हुए छत के नीचे हम लोग रहते थे। तो उस समय से उनको भेजा कि तुमको तुमने संस्कृत से एमए कर लिया, लेकिन तुमको संस्कृत कुछ नहीं आती है, चलो जाओ पाणिनी कन्या महाविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो इतना नाम उस समय से गुरु जी के कारण से इतना नाम कि पाणिनी विद्यालय और आचार्य जी वहां पर ये शिक्षा दी जाती है। तो मैं बीए जो अपनी विनय शीला जी थी बनारस की ही, तो वो उनके साथ किसी ने चुन्नी खींचनी चाहिए, तुरंत उन्होंने अपना डंडा उसकी साइकिल में अड़ा दिया और वो लड़खड़ा करके वहीं पर गिर गया। तो उसको समझ में आ गया, नहीं भैया इन लड़कियों से पंगा नहीं लेना है, और कहीं कुछ हो जाए। और आज भी इतनी सुरक्षा, लोग कहा करते थे सरकारी उसमें लोग कहा करते थे कि बिना बहन जी की आज्ञा के, बहन जी के आदेश के वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता है। मैंने गुरुकुल इतना सुरक्षित, कभी कोई पहरेदार नहीं रखा, आज हमको रखना पड़ रहा है, आज हमने पहरेदार रखा हुआ है वहां पर, लेकिन उस समय 50 साल तक कोई पहरेदार विद्यालय में नहीं रखा गया। कहते ये पहरेदारी करेगा कि हमारी ही सुरक्षा कर दे, है हमारी बच्चियों के साथ ही कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने पहरेदार नहीं रखा और सब रात रात भर पहरा दिया करता था। पेट्रोमैक्स जलाती थी आचार्य जी, जिस तरह से उन्होंने निर्माण हुआ उस समय, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी, ये सब थे, उन सबके सहयोग से। और लोग मतलब आज अपनी काशी में, समय ज्यादा ना हो, अपनी काशी में आज अपने विद्यालय का इतना नाम है कि जिन कन्याओं को
वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, इस पर लोग भिड़ जाते थे, कन्या ये नहीं करा सकते थे, लोग भिड़ जाते थे, ये कहाँ से आ गए, और संस्कार कराने के लिए, विवाह संस्कार और संस्कार कराने के लिए ये कहाँ से आ गई, उनको घोर आश्चर्य होता था। अब लोग उसको स्वीकार करने लगे हैं, है 10-15 साल से अपनी काशी का बड़े से बड़ा, चाहे नेता आ जाए, पर एक बड़े से बड़ा कोई भी आयोजन बिना कन्याओं के मंगलाचरण के वो शुरुआत नहीं होती। ये हमारी अपने आचार्य जी की विजय है। आज काशी के विद्वत परिषद ने मिल करके मुझे क्या उपाधि दी उन्होंने, वेद विदुषी ऐसे करके, तो वो उपाधि वो दे रहे हैं विदुषी है। तो ये कितने हमारे लिए, मैंने अपने आज समाज के लिए, महर्षि दयानंद के लिए, आज लोग कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद का कोई इस तरह का व्यक्तित्व उभर करके नहीं आ रहा जैसे वो लोग थे, जैसे वो लोग थे, वो सारे कार्य तो स्वीकार कर लिए गए हैं। फिर भी स्वामी रामदेव जैसे गुरुकुल से ही पढ़े हुए लोग हैं जो सारे विश्व में तहलका मचा रहे हैं, तो वहाँ की जो है अनेक स्नातिकाएं हमारे तीन हमारे बीच में बैठी हुई हैं जो अलग अलग गुरुकुल भी चला रही हैं, ये उन्हीं की देन है। गुरुकुल चलाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन उन आदर्शों के साथ गुरुकुलों को चलाना, उन संघर्षों के साथ गुरुकुल को चलाना, उसका निश्चय करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने आजीवन, वो भी ब्रह्मचारिणी थी, हम सब भी आजीवन ब्रह्मचारिणी रह करके इस गुरुकुल को आगे चला रहे हैं। वहां पर लगभग 10 वर्षों से काशी के 80 घाट, उसका नाम है 80 घाट, तो उस 80 घाट पर उन लोगों ने आमंत्रित किया कि यहाँ पर प्रतिदिन प्रातःकाल आपकी बच्चियां यहाँ आएंगी और प्रातःकाल मंत्र उच्चारण करेंगी, प्रातः अग्निम से आरंभ होता है वहां पर, और उसके बाद यज्ञ कराती हैं, और उस यज्ञ में चाहे कहीं का राष्ट्रपति हो, देश विदेश का वो आता है, प्रधानमंत्री आता है और वाइस चांसलर आते हैं, बड़े लोग आते, वो उसमें यज्ञ में यजमान बन करके सम्मिलित होते हैं। तो ये उसकी, महर्षि दयानंद की, जो उनका तप था, वो तप बोलता, उनका त्याग था, उनका समर्पण था, उन्होंने वो नहीं लेनी, वो स्थिति आ रही है कि हमने अपने आप को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया है, तो उसके बहुत से कारण, जो उसके अंदर वो था, भावना थी, वो तो चला गया। आगे जो निर्मित हो रहे उनके अंदर वो चीज, वो उनके अंदर जो है कसक नहीं होती है, तो उसके लिए, लेकिन ये परंपरा चलती रहे इसके लिए सहायता लेनी पड़ती है। हमने जिस तरह से घूम घूम करके हमने प्रचार यात्राओं के माध्यम से धन संग्रहण किया, मैं तो धन संग्रहण के लिए आचार्य जी के बाद, पहले तो आचार्य जी ही थी, उनके बाद जब जाती थी मैं सुबह शाम कहाँ जा रहे, क्या करने, कितने यात्राएं लोग करके थी, एक पर भंजिका विद्यालय में, एक पर बाहर यात्रा में, मैं हर समय मन में यही सोचती थी, प्रभु मैं आपकी हूँ, मुझे सुरक्षित रखना, मुझसे कार्य लेना आपका कार्य है, आप मुझे सुरक्षित रखें, क्योंकि यात्रा करना आसान तो होता नहीं, तो कहाँ क्या घटना हो जाए, कभी बस में यात्रा कर रहे हैं, कभी कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो भगवान से ही प्रार्थना करती थी, भगवान आपका कार्य है, आप यदि चाहेंगे, आपको बढ़ाना है तो आप मुझे सुरक्षित रखेंगे, आप मुझे आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाया। वहां पर हर पूर्णिमा अमावस्या को शास्त्रार्थ भी आयोजित होते हैं, किसके बल पर, 80 घाट पर, पाणिनि कन्या महाविद्यालय के बल पर। लोगों ने कहना शुरू किया कि जी आप पाणिनि कन्या महाविद्यालय बोलते हैं, उनका हमने तुमको मना थोड़ा किया, तुम अगला अगला जो अमावस्या तुम्हारे नाम पर है, कोई आया नहीं, इतने गुरुकुल वहां पर है, मतलब वेद वेदांग विद्यालय है, लेकिन कोई भी नहीं आया। महर्षि सांदीप राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, वेद विद्या के लिए वो खोला गया है, और वहां पर जब प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री जी वहां पर आए, और उन्होंने आकर जब पहली बार उनका सचिव के रूप में आए, तो मैं औरंगाबाद में थी, और वहीं पर उसी समय वो एक दिन पहले वहां पर आए, मैं मिली, मैंने कहा देखिए कन्याओं का भी उद्धार करना है, कन्याओं को भी वेद सीखने का, क्योंकि वेद हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन पारंपरिक पढ़ना एक दूसरी चीज है, परंपरा से मंत्रोच्चार स्वर उच्चारण करना और सस्वर, तो ये सब कठिन कार्य है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कराई करेगी। हमने ढूंढना शुरू किया बनारस की गलियों में, बाहर संपर्क करना शुरू किया, कोई अध्यापक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब तो पुरुष थे, हम कन्याओं को क्यों पढ़ाए। जो नए नए लड़के निकले थे वो लोग खुशी से तैयार हो गए, चलते हैं, वो गए अपने गुरु जी के पास खुशी से बताने के लिए, हम तो पढ़ाने महाविद्यालय में वेद पढ़ाने जा रहे हैं, इतनी तेज चौंके वो है, ये क्या करने जा रहे हो, अनर्थ करने जा रहे हो, पढ़ने करने महाविद्यालय में वेद पढ़ाने जाओगे, और उनको हतोत्साहित करके वही के वही रोक दिया उन्होंने। फिर किसी तरह करते करते हमको अध्यापक मिले और ये परंपरा आगे चली और वो चल रही है। तो
अरे मेरे कई कई कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई तो वो कहते हैं कन्याएं वेद पढ़ेंगी तो वो गर्भवती नहीं होंगी, वो पुत्रवती नहीं होंगी। मैंने कहा वैसे की बात, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एक नोएडा से बैठे हुए हैं और हम बनारस से बैठे हुए थे, अशोक तिवारी थे, तो उन्होंने कहना शुरू किया। मैंने कहा इसके प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है, हमारी अनेक कन्याएं अनेक स्नातिकाएं जो कि गर्भावस्था से पहले भी मंत्र पढ़ती थी, यज्ञ करती थी और जब गर्भ धारण किया उस संपूर्ण कारण उन्होंने यज्ञ किया, मंत्रोच्चारण किया और उसके बाद भी कर रही है और सब पुत्रवती हैं। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं है? तो नहीं वो टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है बताइए तो सही, तो नहीं बता सके। फिर कहते नहीं नहीं यार समाज ही, मैंने कहा देखिए आर्य समाज वेद की बात भूल गई, मैं वेद की बात कर रही हूँ, इतनी बार जब आर्य समाज बोल चुके, मैंने कहा आर्य समाज वेद को ही मानता है, महर्षि दयानंद ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है, मैं बात वेद की कर रही हूँ, आर्य समाज दयानंद को बीच में मत लाइए, आर्य समाज दयानंद को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, आप उनकी बात करें। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नंदिता जी, अब आपको समझ आया होगा ना ये विषय, मैंने इनका भी विषय बदला था। आप अगर गुरुकुल, क्योंकि आप साक्षात अनुभव कर रही हैं और आप प्रज्ञा देवी जी के साथ जैसा बताया बचपन से रही हैं, मुझे प्रज्ञा देवी जी दिल्ली में मिली थी पहली बार, उनका स्नेह सानिध्य मिला और मेधा देवी जी उसके बाद रही, तो ये दोनों बहने इतनी तपस्विनी थी कि जब भी कभी दिल्ली आती थी पता देती थी मैं यहाँ आ रही हूँ, अगर मैं मिलने गई ठीक है, मैं कभी बनारस गई और गुरुकुल नहीं जा पाई तो स्टेशन पर आती थी और कुछ बना के लाती थी साथ में, मतलब इतना स्नेह देती थी वो सबको। और इस गुरुकुल से जो कन्याएं निकली हैं, कई महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में मुझे भी अवसर मिला उनको साक्षात्कार लेने का, जहाँ जहाँ वो बच्चियाँ पढ़ा रही हैं वो सब उनकी कीर्ति का प्रसार कर रहे हैं। जो बात कही वेद पढ़ने से गर्भवती नहीं होंगी, मैंने तो दोनों बार गर्भावस्था में यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया, ये मेरी माँ ने मुझे बताया चाल पूरा यज्ञ तुम्हें करना है, चतुर्वेद पारायण नहीं कर पाई लेकिन मैंने यजुर्वेद पारायण यज्ञ दोनों बार किया। और मैंने तो खैर उतना वेद नहीं पढ़ा जितना ये कन्याएं पढ़ रही हैं, लेकिन उसका एक प्रमाण है ये कि जो लोग निरर्गल बातें करते हैं उनको उत्तर देने के लिए ऐसे गुरुकुल और उनकी स्नातिकाएं और उनकी आचार्याएं वास्तव में धन्य हैं, प्रशंसनीय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कभी बस एक बात ना, मैं भी स्वयं गुरुकुल से हूँ, मैं पूरा होता हूँ, अब जो हम लोगों की कमी है गुरुकुलों की उसके और सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद जी ने अनेक विद्याएं पढ़ाने की बात सत्यार्थ प्रकाश में कही है और अपने वेद भाष्य में भी विज्ञान की बात, विद्युत विद्या की बात, दुनियावर की बात, ज्ञान विज्ञान कला कौशल की बात कर, उन चीजों का भी समावेश हम लोगों के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हमारे स्नातक स्नातिकाओं में इतनी दम होनी चाहिए विश्वविद्यालय के बच्चों को कहने के लिए, जो तुम जानते हो वो भी जानते हैं हम लोग, जो हम जानते हैं तुम लोग नहीं जानते, नहीं जानते। इतनी अच्छा हम लोग इस चीज संशोधन करें। मैं अपने उड़ीसा वाले गुरुकुल में मैं पिछले दो तीन जो वेब तक के बच्चे उनको विज्ञान भी पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आर्थिक अभाव के चक्कर में फिर आगे हो। सही बात है, लेकिन स्वामी दयानंद के प्रति बहुत श्रद्धा रख कर के व्यक्ति जब कार्य करता है ये कभी नहीं कहता है कि गुरुकुल में कुछ कमी नहीं। मैंने अपने जीवन में सर्वदा ये रखा था गुरुकुल में कोई भी कमी नहीं किसी भी प्रकार की, क्योंकि 1983 में जब मेरा दीक्षांत तो हो गया, क्योंकि आचार्य जी के साथ जमीन देखने के लिए सूर्या जाते हैं, जमीन कहाँ बनेगी पांडे विद्यालय की, सो मैंने देखी तो बहुत चल चल के मैंने देखा, और चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हम हो, चाहे नंदिता जी हो, चाहे माधुरी जी हो, हम सब प्रचार में जाते रहे और कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि जिसमें भेदभाव के लिए हम तीनों तो गए ना गए हो, हमेशा गए हर प्रचार में गए, सब सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। लेकिन फिर भी जो पुस्तकें लिखी हैं सत्या प्रकाश में लिखी हैं लगभग वो पुस्तकें हैं 41 और संस्कार भी लिखी है 52 के लगभग पुस्तकें लिखी और पढ़नी चाहिए तो पढ़नी चाहिए के लिए 83 के बाद 1994 तक तो मैंने 10 वर्ष केवल इसी के लगाए
और पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं तक के जितने भी आधुनिक विषय हो सकते हैं सारे मैंने वहां से जाकर के पुस्तकें खरीदी और सबका उनका भी अध्ययन किया और सबका अध्ययन करके और ये विज्ञान क्या होता है विज्ञान पर भी लिखने की कोशिश करी, गणित क्या होता है उस पर भी लिखने की कोशिश करी और अंग्रेज क्या होता है उसको भी पढ़ने की कोशिश करी। और जब मैंने बेट की परीक्षा दी तो सारे विषय हिंदी विद्यालय से मैंने ग्रेजुएट किया था। तो इस प्रकार से करने की कोशिश करी, कोई ये ना कहे कि गुरुकुलों में ये अधूरापन है। अधूरापन हमारे मस्तिष्क का होता है, हर बात व्यक्ति कोई भी आचार्य कोई भी प्रिंसिपल कोई भी डीसी एक अक्षर से नहीं पढ़ सकता, ये अपनी तमन्ना अपना जोश और जब ये होता है तभी ये पढ़ा जा सकता है किया जा सकता है। और ये सभी विद्वान जान रहे कि आपकी जो विद्वत्ता है वो आपके महत्वाकांक्षी प्रभाव के कारण से है, विचार के कारण से, किसी संस्था का उसके कारण से नहीं है या किसी संस्था के नियमों के उसमें के कारण से नहीं होता है। मैं तो सबसे कहती हूँ, मैं क्या मेरे सामने ना आपका कोई ये विधान चलेगा कुछ चलेगा इस प्रकार से किया, क्योंकि गुरु जी के साथ आचार्य प्रज्ञा देवी जी के साथ आचार्य मेघा देवी जी के साथ 42 वर्ष जीवन बिताया है। 42 वर्ष का जीवन का कम नहीं है, क्योंकि अब ये भी बता देती हूँ पाणिनि विद्यालय में जिस समय मैं पढ़ने गई थी उससे पहले मेरे पिताजी को तो पता नहीं था गुरुकुल कहाँ है। उन्होंने गुरुकुल की विद्या सत्यानंद प्रकाश को इसको श्रीमती चंद्रावती कन्या गुप्तु संस्कृत विद्यापीठ आज मेरे मेरा दोबारा उनको स्थापित किया है। मैंने पूरे 52 साल के बाद उसको दोबारा से मैंने पुरोधार के रूप में स्थापित किया है। अभी 2017 में किया है, तो उससे अभी पहले स्थापित हो चुका था। मेरे पिताजी ने स्थापित कर दिया था 1965 में और जो चलाने के लिए था शासनी विद्यालय से दो अधिकारियां उस गुरुकुल में एक दक्ष रही, लेकिन वहां व्याकरण की परीक्षा पढ़ाई ना होने के कारण से जिस उद्देश्य से मेरे पिताजी ने जो पूछ रहा था वो नहीं चल पाया। क्योंकि ये जो कहानियां है ना किसी को पता नहीं था कैसे उसका व्यक्ति बन के तैयार हुआ है, दुनिया के लिए बन के किस प्रकार से हुई है, ये मेरे पिताजी लाखन सिंह जी आर्य इन भावनाओं के कारण से कार्य देखकर उनका प्रशस्त था, सब कुछ उनका प्रशस्त था। इस प्रकार से मेरी आचार्य जी ने जब मेरे पिताजी ने लिखा जो के भाव थे अगर ये व्यक्ति किसी गुरुकुल में पढ़ा होता तो बहुत बड़ा ये विद्वान बना होता इस समाज का, तो वो जो भाव भरे हुए थे तो वहीं से भरे थे। शास्त्री गुरुकुल भी कोई नहीं कर पाया, उसके तहत फिर उसके बाद हमारे पूज्य दंडी जी महाराज बेटा के जो स्वामी जी थे उन्होंने कहा अभी अभी थोड़ा चौथी बालिका में वहां पहुंची थी पढ़ रहे थे और वो राजा की कोठी में पहुंचे थे। हम सब राजा की कोठी में पहुंचने के बाद ये विद्यालय तब निकला जब उनको निकाल के बाहर कर दिया गया कोठी से, तो कोठी के बाद जमीन खरीदी गई तो आप लोग मेरा निवेदन है कि अपना ये गुरुकुल का इतिहास लिखिए लिखिए ताकि लोगों को पता चले, अधिक लोगों को पता चले। अंतिम अंतिम प्रश्न या की पढ़ाइयाँ पूरी पूर्ण है, ये बिल्कुल सबको मान के चलना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए तो पढ़ने लिए पूर्ण है। हर विद्यार्थी पर समय लगाना पड़ेगा, समय की तो अपेक्षा है, समय की आगे आधार करके चले जाएंगे कोई शास्त्री करके जी बोलिए। मैंने अपने निगम के अभी इनके बाद 13 वर्ष एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में, परंतु जिस प्रकार की ये संगोष्ठी यहाँ आयोजित हुई मैं उससे इतना अधिक प्रभावित हूँ कि मैं मेरे पास उसकी अभिव्यक्ति के लिए पूरे शब्द नहीं, और इसका सारा श्रेय आपको आता है। बहुत बहुत मैं अकेले क्या कर सकती थी यदि आप सब लोग सहयोग नहीं करते, तो ये तो सबका समर्पित प्रयास। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में जहाँ सभी आचार्यों के यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं वहीं पर महर्षि दयानंद सरस्वती का भी इसमें एक चित्र अवश्य है। ये कल उन्होंने पंडिता इंद्राणी जी ने भी बोला था। तो तीसरी बात, मैं इन तीनों आचार्यों के चरणों में सादर नमन करता हूँ जिन्होंने अपना जीवन दे करके और इस गुरुकुल परंपरा को जीवंत रखा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ अनेक कार्य किए वहां वेद उनकी प्राथमिकता रही प्रत्येक विषय को अभिव्यक्त करने के लिए, परंतु आज भी वेद के प्रत्येक पद का कोई ऐसा हमारे पास वैदिक कोष सामने नहीं है। मैं चाहता हूं
कि हम वेद का ऐसा कोर्स तैयार करें जिसमें प्रत्येक पद की व्याकरण प्रक्रिया और स्वर प्रक्रिया वे दोनों सम्मिलित हों, और उसमें वो नहीं है, वो केवल पदानुक्रम में केवल पद या पद पाठ आया है और वो भी आपको सस्वर नहीं मिलेगा, मूल पद वैसे ही। और ये निश्चित है कि जितने भी लौकिक कोर्स हैं उनसे वेद के अर्थ को जोड़ करके प्रयास भी करना वेद के साथ सर्वथा अन्याय करना है। और ये तीनों गुरुकुलों की छात्राएं और इनके आचार्य इसमें विशेष रूप से योगदान दे सकते हैं, और मैं इनसे तीनों से निवेदन करूंगा कि इनके विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में मैं अपना सहयोग दूंगा। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुप्रीम जो है वे स्वयं व्याकरण के बहुत उत्कट विद्वान है, वे इसके पुरोधा बने, और मैं आपके साथ चल करके इस विषय को, इस कोर्स के निर्माण में अपना योगदान देना चाहूंगा। काम बहुत बड़ा, जितना हो जाएगा हो जाएगा, मैंने कुछ काम शुरू किया लेकिन अकेला व्यक्ति इसमें बहुत अधिक नहीं। मैं इसमें आपको निवेदन ये करना चाहती हूँ, जो योजना है आपके मन में, संकल्पना है, उसको पत्र पर लिखिए, आप राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के पास उसको जमा कीजिए और हम लोग उसको पारित करवाने में सहयोग करें। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ जी, पाठक जी कुछ कहना चाहते हैं जी, जी कहिए जी, आप हमारे यहाँ फेलो हैं जी, वैज्ञानिक शास्त्रों का पठन, वेदों को लेकर सिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा इससे वाइब्रेंट और इसमें उसका ये होगा, तो वे को थोड़ा सा शौक चलाकर शायद इतना हर पुराना ध्यान हो रहा है उसके बारे में तो मेरे को बहुत सारे पूछे हैं, इससे आगे जाकर मॉडर्न साइंसेस का तो वेदों के बारे में आगे वहां से आगे अठारह सौ बारह सौ इसका संबंध जी के थैंक यू प्रोफेसर पाठक, जो बात आपने कही उसकी ओर सबसे पहले संकेत भी महर्षि दयानंद ने ही अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया है, उन्होंने इन सब विज्ञानों के विषय अपनी सूची में दिए हुए हैं, लेकिन अब ये हम लोगों पर है कि हम उसमें से कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं। आपने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य, लेकिन उससे पहले जो हमारे शेड्यूल में नाम है वो श्री एस के शर्मा जी का है, डीएवी में आप प्रकाशन को देखते रहे हैं, हम सब उनको जानते हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे इस समय वक्तृत्व देना नहीं चाहते, देने में असमर्थ हैं, तो मैं निवेदन कर रही हूं अभी अपने उपाध्यक्ष और सहयोगी प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता जी से, जो कल से प्रत्येक वक्ता के विचारों को ध्यान पूर्वक सुनते आ रहे हैं और उनके मन में भी कुछ विचार हैं, कुछ संभावनाएं हैं और कुछ संशय भी हैं। प्रोफेसर मेहता, आप मैनेजमेंट के विद्वान हैं, माइक का एक संस्था है अहमदाबाद में, उसके आप निदेशक हैं और हमारे इस संस्थान के आप उपाध्यक्ष हैं,
आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की, ऑक्सफोर्ड से भी जी, तो आपका एक व्यापक अनुभव है शैक्षणिक जगत में, किंतु आपके मन में जो भारत, भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के प्रति लगाव है, उसी के कारण इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर आप बैठे हुए हैं और वे कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं, कुछ विचार साझा करना चाहते हैं प्रोफेसर मित्रा। इसके बाद प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी। आप बीच में कुछ मेकॉले के वक्तव्य पर प्रश्न कर रहे थे, ऐसा नहीं है क्या? मेकॉले ने जाके 1824 में दिया है कि नहीं, जो जो अभी विदुषी जी ने जो सरेक्ट किया ना वो सही नहीं है। तो ये देखिए वो मेकॉले तो इसी से चालू करते हैं। राजीव दीक्षित ने बहुत सारे प्रमाण देखे इस बात को लेके, इसलिए मैं प्रश्न। जी हाँ, तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे युवा स्कॉलर्स भी हैं, तो उनके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ कि प्रमाण में भूल नहीं होनी चाहिए। प्रमाण वो नींव है जिसपे आप अपना अपनी इमारत खड़ी करते हैं। यदि प्रमाण में एक ईंट भी गलत पड़ गई तो नींव में यदि एक ईंट भी गलत पड़ गई तो इमारत हिल सकती है। और भारत में मैं ये देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, तो 200 जो एप्लीकेशंस आई फेलोज के लिए वो मुझे भेजी, मैंने देखी उसको। मैं उसमें निर्णायक तो नहीं हूं, लेकिन उस प्रक्रिया का निर्णायक जरूर हूं कि सही प्रक्रिया से लोग चुने जाए। हम लोग नहीं चुनते, हमारा कोई रोल नहीं है अध्यक्ष जी का और मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन हमारा जो रोल है, जो हमारी भूमिका है, वो सिर्फ ये है कि सही लोग सही तरह से चुने जाए और उनको उनके सहपाठी विद्वान चुने, उनके जो वरिष्ठ विद्वान है तो अच्छे विद्वान हो हुआ है। तो एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो उन्होंने भी सारी एप्लीकेशंस देखी, उनको हमने रिव्यूअर के रूप में बुलाया। वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों में से हैं, उनकी थियोरीज किताबों में पढ़ाई जाती, हिंदी के भी विद्वान हैं, वो बहुत साल विदेश में पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि चिंतन का स्तर इतना गिर गया है भारत, उन्होंने उनको हमने 40 एप्लीकेशंस दी थी पढ़ने को, उन्होंने सारी 200 पढ़ डाली। उनका विषय समाज शास्त्र है, लेकिन उन्होंने सारी एप्लीकेशंस पढ़ ली। उन्होंने बोला कि चिंतन का स्तर इतना गिर गया है कि लोगों को शीर्षक तक लिखना नहीं आता, वाक्य और पैराग्राफ और पेपर लिखना तो एक बात है। और उन्होंने कहा लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हिंदी में जिन्होंने लिखा वो थोड़ा ज्यादा चिंतन था उसमें, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं है, बहुत विडंबना की बात थी। लेकिन जो बड़ी भूल जो होती है यहाँ, खासतौर से जो युवा जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो युवा विद्वान हैं, वो प्रमाण में भूल करते हैं। आप यदि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है दैट शुड बी फ्लॉलेस। यदि वो बिल्कुल सही है तो कुछ भी नतीजा हो आपका, यदि सिद्ध हुआ या नहीं सिद्ध हुआ, वो अपने आप में मायने रखता है। मानविकी में जो ह्यूमैनिटीज में है वो है रेफरेंसेस आपके। आप किसी को भी उद्धृत करें, क्योंकि आप जो पूर्व पक्ष है वहां उसको लेके आप चलते हैं, तो उसको आप उद्धृत करते हैं और उसके पूर्व पक्ष के विरोध में या उसको आगे बढ़ाते हुए आप अपनी बात रखते हैं। लेकिन यदि मूल में भूल हो गई तो फिर आगे बात बढ़ी नहीं सकती। तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण आज विदुषी जी ने बहुत अच्छी बातें कही और उनसे मैं सहमत हूँ, लेकिन जो एक उदाहरण दिया वो गलत था उनका। मैकॉले मिनट ऑफ एजुकेशन सही है, लेकिन ये उनका वक्तव्य, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर एंड हु इज अ थीफ। पहली बात तो ये, आप तर्कसंगत रूप से सोचिए, दुनिया में आज तक कोई ऐसा समाज हुआ है जहां कोई बेगर और थीफ नहीं है? आज तक तो नहीं हुआ रहा, राम राज्य में हुआ होगा, उपनिषद में है, उपनिषद काल में हुआ होगा, लेकिन आधुनिक आज के आधुनिक समाज में तो कहीं हुआ नहीं। पहली बात तो थोड़ा भी यदि कोई तर्क लगाता है तो उसको सोचना चाहिए कम से कम
कि ये कहाँ कहाँ, और ये कहीं नहीं, आप जाके इंटरनेट पे देखिए तो सब जगह लिखा है कि ये दिस इज अ फॉल्टी कोटेशन, और उसका तर्क और उसका निर्धारण करना बहुत आसान है। आप ही पूछिए कि किस ग्रंथ में है, यदि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में होगा, 1835 में कहा तो सारा इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, आउट ऑफ कॉपीराइट है सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो सारे वक्तव्य आपको वहां मिल जाएंगे, कीवर्ड सर्च कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो कमी है ये इतनी फैल गई है कि हम लोग सोचते भी नहीं, कोई बोलता है तो उसको सच मान लेते हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं कि कोई भी कुछ बोलता है मैं उसको सच नहीं मानता, मुझे प्रमाण दीजिए। और तो और मैं ये ही जो स्तर है, ये ही जो सोचने की प्रक्रिया है, वो मैं महर्षि दयानंद और वैदिक जो अपनी परंपरा है उस पर भी लागू करता हूं। तो ये दृष्टिकोण मैंने सोचा मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग परंपरा से हैं, मैं परंपरा से नहीं, बल्कि मुझे इस परंपरा को, इस गौरवशाली परंपरा को समझने में कई दशक लगे। उसका कारण यह है कि मैं महर्षि दयानंद को समझने की कोशिश करता था और मेरे मन में एक जबरदस्त हिचकिचाहट आती थी, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकता? कि सारा विज्ञान वेदों में है, तो प्रमाण दीजिए। तो ये हिचकिचाहट आज भी है और मुझे इसका किसी ने कोई अभी तक सही जवाब नहीं दिया कि कैसे मान सकते हैं कि न्यूक्लियर साइंस और ये और वो और रॉकेट्री और वैमानिक शास्त्र और ये सब, इसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन मैं क्यों आदर देता हूँ, आपने देखा मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये विचारधारा, इसका प्रतिपादन, उसका कारण ये है कि जो सारी जो अपनी अपने समाज में भूले हैं, भूले रही हैं 2000 साल से, उन सब के विरोध में लगभग पहली आवाज जो उठती है आधुनिक काल में वो महर्षि जी की है। तो इसलिए मेरा उनके प्रति आदर का भाव इस वजह से, वो ईसाइयों की बहुत खूबसूरत एक कथन है उनका कि बाय द फ्रूट्स यू शैल नो देम, ये आप कर्मों के द्वारा एक व्यक्ति को जानते हैं। तो मैंने सिद्धांत के द्वारा महर्षि जी को नहीं समझा, क्योंकि मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह से, और मैं वो अपनी कमी आपके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के आप रख रहा हूं। लेकिन जो उन्होंने जो कर्म किए उसका मैं बहुत जबरदस्त प्रशंसक हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सिद्धांत क्या है जिनके बूतों पे उन्होंने ये सब हासिल किया, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप सब लोगों को गौर से सुन रहा हूँ, और थोड़ा बहुत अब मुझे समझ में आने लगा। तो पहली बात तो ये, दूसरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम मूल को, तो उसका मैं एक भी व्यक्तिगत रूप से एक संस्मरण दूं। जैसे आपने, प्रोफेसर कुमार ने बताया कि मैं 5 साल दिल्ली में पढ़ा, फिर 2 साल ऑक्सफोर्ड में, फिर पीएचडी हार्वर्ड से की। ऑक्सफोर्ड में भी देखिए बहुत अद्भुत संयोग था कि मैं किस कॉलेज गया, वहां पे भी यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं, तो जो भारत से जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ कॉलेज है वो है बेलियल, और जो सबसे पुरानी जो संस्कृत की चेयर है बोर्डन प्रोफेसरशिप वो भी बेलियल में है। तो लक्ष्मण स्वरूप जिन्होंने निघंटू और उस पर लिखा, निरुक्त पे और निघंटू पे लिखा, अच्छा उसमें आप अद्भुत बात बताऊं, 1919 की उनकी पीएचडी है, ही वाज द फर्स्ट पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, उसके पहले ऑक्सफोर्ड पीएचडी देता ही नहीं था, पूरे हिस्ट्री में ही इज द फर्स्ट पीएचडी इन द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड। क्योंकि उसका कारण ये है कि अंग्रेजों को शोध नहीं आता था, उन्होंने जर्मन लोगों से सीखा, जर्मन लोगों ने, ये हम्बोल्ट की देन है, जर्मन बर्लिन यूनिवर्सिटी और ये सब बनी, शोध वहां से चालू हुआ, और लक्ष्मण स्वरूप इज द फर्स्ट पीएचडी इन द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड, वो बेलियल के थे और वहां शोध मतलब पीएचडी उस तरह से थी। अच्छा, तो वहां पे भी मैंने जो बोर्डन प्रोफेसर थे उस समय रिचर्ड गॉम्ब्रिज, बुद्धिस्ट स्टडीज के बहुत
प्रसिद्ध विद्वान हैं, बहुत अच्छे मित्र बन गए। हम लोग अक्सर लंच पे साथ बैठा करते थे। मैं उनसे प्रश्न पूछा करता था कि वेद को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ते हैं लोग। मुझे कुछ नहीं पता था वेदों के बारे में उस समय, क्योंकि भारत में तो कोई चर्चा ही नहीं करता, आर्य समाज के बाहर वेदों की कोई जानता ही नहीं है। एक दो वाक्यों के अलावा वेदों में है क्या? आप किसी विद्वान व्यक्ति को पूछ लीजिए जो भारतीय परंपरा पे काम करता है, 100 में से आप लोगों को इकट्ठा करिए, 99 को पता नहीं होगा कि वेदों में है क्या, और मुझे भी नहीं पता था। और जब मैंने पढ़ना चालू किया तो कोई समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो भाषा बिल्कुल अलग है। और सही रूप से महर्षि जी की परंपरा से तो मैं आप समझना चाहूंगा, 30 या 35 साल के अध्ययन के बाद में मुझे वेदों में क्या है ये थोड़ा बहुत समझ में आने लगा अरविंद की परंपरा से। और वो भी कैसे समझ में आया, वो भी अद्भुत है। मैं गया एज एक्टिंग वाइस चांसलर ऑफ ओरो यूनिवर्सिटी, उसके पहले मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, लेकिन फिर उसके बाद में ओरो यूनिवर्सिटी। तो वहां 1.5 साल का था, पता नहीं क्यों क्या संयोग बना कि मैं वहां गया, और 1.5 साल तक मैं वहां रहा, और वहां पांडिचेरी से संबंध बना, वहां के विद्वानों से संबंध बना। तो उन्होंने बिठा के मुझे समझाया कि ये अरविंद है। तब मैंने कहा ये तो बिल्कुल अद्भुत चीज है, मतलब ऐसी तो कोई शायद विश्व में कहीं कल्पना नहीं हुई, जो आर्य ऋषि हुए उसमें शायद अरविंद जैसा कोई ऋषि नहीं रहा। और उसके बाद में जो उनका काम जो अधूरा छोड़ा उन्होंने, जो प्रोफेसर रंगास्वामी कश्यप ने किया, 1.5 साल पहले वो दिवंगत हो गए, 26 खंडों में उन्होंने जो अनुवाद किया अरविंद की परंपरा से, वो अद्भुत ग्रंथ है, आप देखिएगा जरूर। और हर एक मामले में जो महर्षि दयानंद ने कहा और जो महर्षि अरविंद कहते हैं वो पूरक है। एक मिनट में उस ग्रंथ के बारे में बता दूं। प्रोफेसर कश्यप से देखिए, बेलियल का तो मैंने आपको संयोग बताया, प्रोफेसर कश्यप का भी संयोग बताऊं। 16 साल मैंने PhD हार्वर्ड से करने के बाद में 16 साल मैंने पर्ड्यू में पढ़ा है, अमेरिका में मैनेजमेंट स्कूल में था। प्रोफेसर कश्यप थे प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और दुनिया के श्रेष्ठ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में उनकी गिनती होती है। उनकी 65वीं वर्षगांठ में उनके 200 विद्यार्थी सारे दुनिया भर से आए और उनकी फेस्ट ट्रिफ्ट हुई, मैं था वहां। उसके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और 98 में आके बैंगलोर में बस गए, और उन्होंने वो काम किया कि जो कई 100 ऋचाओं पे जो अरविंद ने जो टिप्पणी की थी, वो सारी 27,000 जो सारी वेदों की ऋचाएं हैं, जो ऋचाएं और वो सूक्त हैं, उनका पूरा पूरा अरविंद के हिसाब से पूरी टिप्पणी की। और जो प्रक्रिया उन्होंने आजमाई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि वो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि किस तरह से काम हो सकता है और किस तरह से होना चाहिए। अरविंद का ये विचार था कि सारण ने बहुत जबरदस्त गड़बड़ की, क्योंकि सारण एक व्यक्ति नहीं थे, एक वो एक बोर्ड ऑफ ट्रांसलेटर्स थे, 100 लोग थे, और एक ही सूत्र सूक्त यदि कृष्ण यजुर्वेद में आ रहा है तो उसका एक अनुवाद करेंगे, और वो शुक्ल यजुर्वेद में आ रहा है तो उसका दूसरी तरह से अनुवाद करेंगे। एक में बोलेंगे कि यहाँ हत्या है, पशु बलि है, दूसरी जगह बोलेंगे कि ये तो आध्यात्मिक है। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, एक ही चीज का आप इस तरह से करेंगे। तो खैर उन्होंने फिर अपना वो दिया कि जो संकेत है कि गो का क्या अर्थ है, अश्व का क्या है, अग्नि क्या है, वो सब किया। लेकिन उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रूप से सबका एक ही अर्थ होगा हर जगह। तो ये कह के तो चले गए अरविंद, उन्होंने तो कुछ 100 सूक्तों की व्याख्या की, 27,000 में कैसे आकलन करें, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर थे। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1966 में जो उन्होंने थीसिस लिखा वो भी हार्वर्ड के PhD थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले ही थीसिस में से था। और आज भी आप जाके देखें तो कश्यप हो एल्गोरिथम, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की आज बात करते हैं, कश्यप हो एल्गोरिथम आज भी इस्तेमाल होता है और टेक्स्ट बुक्स में सिखाया जाता था। तो वो उस तबके की विभूति थी, प्रकांड विद्वान, मतलब वो बिल्कुल उनसे ज्यादा मेधावी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सारा वो कंप्यूटराइज किया, स्वर सहित जो आप बता रहे थे ना, नए फॉन्ट्स बनाए, खुद बनाए, डिजिटाइज किया उसको, और फिर सिस्टम बनाया कि अग्नि देखना है तो सारे जो अग्नि के उदाहरण थे एक बटन दबा के सारे एक साथ दिख जाए। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो अरविंद ने बताया कि अग्नि का मतलब ये है, सब पे लागू होता है, सब चेक किया उन्होंने, इंद्र है तो सब पे लागू होता है,
यदि गो है तो सब पे लागू होता है, चेक किया कि एक भी एक्सेप्शन नहीं। और जब उन्होंने अपने आप और पूरी किताब लिखी उस पे सिमेंटिक्स ऑफ द वेदा, वो आप देखिएगा, और वो उन्होंने लिखा और फिर ये 26 खंडों में अभी कुछ साल पहले छपा हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में, और प्राकृत भारती के माध्यम से जिसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं, वो हिंदी वो संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में छप रहा है अभी 26 खंडों में। तो ये भी आप देखिए, ये एक समानांतर प्रयोग है महर्षि दयानंद के काम के साथ, क्योंकि अरविंद तो प्रशंसक थे और मानते थे कि दयानंद ने ही हमें चाबी दी। तो कई चीजें जो महर्षि जी अपनी अल्प आयु के कारण बहुत जल्दी चले गए हमारे बीच से, वो काम जो अधूरा छोड़ गए या जो काम पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं कर पाए, या जैसे कई आप लोगों ने बताया कि हिंदी भाषा में कई त्रुटियां रह गई के ग्रंथों में क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं थे, तो वो सारा काम एक तरह से अरविंद की परंपरा में काफी कुछ बुरा हो गया। तो आप जरूर देखिए, पहले तो ये बात। दूसरा एक मैं आपको और अपने अनुभव से बताता हूं, जो कि महर्षि दयानंद और महर्षि अरविंद को देख के बिल्कुल समझ में आ जाता है कि वो महान तपस्वी थे। तो ज्ञानी तो थे ही, और ज्ञान का पुट हम यहां देख रहे हैं, लेकिन अरविंद और दयानंद दोनों तपस्वी भी थे। तपस उन्होंने किया लेकिन तपस की विधि नहीं बताई, अरविंद ने तो बिल्कुल ही नहीं बताई, बल्कि उनके पत्र व्यवहार में कहीं उसका उल्लेख आता है, लेकिन उन्होंने किसी व्यवस्थित रूप से किसी को नहीं सिखाई। और जहां तक मैं जानता हूं, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिए, कि महर्षि दयानंद ने भी तपस की विधि लोगों हवन की विधि तो सिखाई, लेकिन तपस कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया। थोड़ा सा मिलता है उस पर आएंगे। तो मैं उसमें एक संस्मरण बताऊं आपको कि क्यों मुझे वो आवश्यक लगता है, क्योंकि मैंने वेदों को पढ़ने की कोशिश की बहुत समय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और वेदों को सुना तो मैंने कभी नहीं किया उच्चारण करके। सुना कब? 92 की बात है। 92 में कहां सुना? मैं मुझे ध्यान करते हुए लगभग समझ लीजिए 36 साल हो गए, तो चार साल बाद यानी 92 में, आज से 32 साल पहले मैं गया एक ध्यान के केंद्र में अमेरिका में। उस समय अमेरिका में पढ़ा रहा था मैं, तो किस पे की ये जो ध्यान तो मैं कर रहा था उस समय, 4 साल तक हो गए थे, लेकिन वो समाधि करते थे, लेकिन जो संयम की प्रक्रिया है योग सूत्र में, जहां धारणा ध्यान और समाधि एक साथ होती है, एकत्र संयम, वो वाली बात, तो वहां हम लोग ये करते थे सामूहिक रूप से, हजारों लोग मिलके सामूहिक ध्यान करते थे और अद्भुत अनुभव हुए। उसके बाद में वो लोग वेद ऋचाओं को वहां, उनके सारे महर्षि जी ने, महर्षि महेश योगी, उन्होंने हजारों वेद पंडितों को तैयार किया और इकट्ठा किया, और उनका जो वाचन था, उनका जो मंत्र उच्चारण था, वो सब दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और जब हम ध्यान करके थक जाते थे और लेट जाते थे शवासन में, तो वो सुनाते थे सामवेद का कुछ, जैसे हमारी बच्चियों ने किया, या पुरुष सूक्त, या पुरुष जो आज 10वां मंडल है, जो पुरुष गुण का मंडल है, उसकी कुछ ऋचा सुनाते थे। एक ऋचा सुनाते ही मेरा तो जैसे शरीर कांप उठता था, उसके बाद जैसे स्पंदन होने लगते थे, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ऋचा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने पता किया, तो वो था 10वें मंडल का 125वां जो देवी सूक्त, मतलब, तो वो मेरी प्रत्यक्ष अनुभव था कि ध्यान के बाद में खास तौर से जो संयम की प्रक्रिया है, और संयम की प्रक्रिया भी मैं बता दूं कि वो कोई समझा नहीं पाया। व्यास भाष्य भी देखें पतंजलि योग सूत्र का, तो व्यास भी कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करते, वस्तुतः जो वाक्य है उनको दोहरा देते, बताते नहीं है क्या। लेकिन हम लोगों ने जब अनुभव किया कि ये है क्या संयम, तो मैं आपको बताऊं, संस्कृत संक्षिप्त में जो तुरिया अवस्था है और जो जागृत अवस्था है, उसकी जो उसके बीच में जो दहलीज है, वहां पे खड़ा कर देते हैं। तो एक मुख तो आपका समाधि में है और एक मुख आपका जागृत अवस्था में है, और वहां पे जो भी आप विचार, आप अपने अपनी चेतना में जो उसको संबल करते हैं, वो फिर आपकी सारी सृष्टि, आपकी जो रूपरेखा है उसमें वो प्रतिपादित हो जाता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा, और आज जो ये बच्चियां जो
ये उच्चारण कर रही थी वो ही सारे स्पंदन मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहे थे, मतलब मैं चाह रहा था कि उछलूं कूदूं, ये हो रहा था मेरे अंदर, ये मंत्र का प्रभाव है। तो मैं इसलिए आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि आप लोगों को, हम सबको, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि इन मंत्रों का एक स्पष्ट हमारे चेतना पे अनुभव होता है, वो मैंने बिना इस सिद्धांत को जाने अनुभव किया, और उसके बाद में मैं सिद्धांत को खोजते हुए यहां पहुंच रहा हूं कि ये सिद्धांत क्या है जिसने इस मेरे शरीर में इतनी खलबली मचा दी। और वहां तो आप ऐसा देखेंगे शरीर उठ जाते, मेंढक की तरह से पद्मासन में उछल के नीचे गिरते, ऐसा होता है हजारों की तादाद में ऐसा होता है। तो ये एक अद्भुत घटना है जो कि महर्षि जी को तो मेरे ख्याल से ज्ञात थी, लेकिन हमको पूरी तरह से ज्ञात नहीं। तो ये एक दूसरा पक्ष। तीसरा एक मैं आपके सामने रखना चाहूं कि मैं बहुत नजदीक से जो ईसाई जो धर्म प्रवर्तक हैं, जो मुस्लिम धर्म प्रवर्तक हैं, उनसे मैं संपर्क रखता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग अब भारत में तैयार हो गया है जिसका विश्व में भी काफी प्रभाव है, वो अपने आप को दलित वर्ग बोलता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अफसोसजनक शब्द है, लेकिन खैर वो हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता रहती है, तो यदि मैं अपने आप को दलित कहूं तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो उनसे मैंने काफी संपर्क किया है, उनको किसी को, वो ज्यादातर बौद्ध या इस्लाम या बौद्ध या ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। मेरे दो मित्र हैं, एक बौद्ध बन गए हैं, एक ईसाई बन गए हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं। वो सब ये मानते हैं कि वेद जो है हेय ग्रंथ है, कि इसमें कचरा है, इसमें महिलाओं का दमन है, इसमें इसमें जाति प्रथा ही नहीं दास प्रथा है, जबकि कहीं नहीं है। मैंने खुद ने देखा है पूरा, मैंने खुद ने अप्रत्यक्ष रूप से वेदों को पढ़ा है। कोई भी आप इंटरप्रिटेशन ले लीजिए, न तो इसमें दासता है, न ही इसमें कहीं नारी का दमन है। बाद में धर्म ग्रंथों में तो जरूर आपको मिलेगा, इसमें अस्पृश्यता भी मिलेगी, नारी निंदन, नारी जो निंदा भी मिलेगी आपको, सब मिलेगा आपको, लेकिन मूल में भूल नहीं, गंगोत्री में भूल नहीं है। हरिद्वार में आके बहुत कचरा आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन गंगोत्री में कोई मिलावट नहीं। तो मैं ये कहूंगा, ये आखिरी बात मैं रखना चाहूंगा आपके सामने, कि आर्य समाज का एक बहुत बड़ा किरदार अधूरा रह गया, वो ये कि भारत का जो दलित समुदाय है उसको वापस आर्ष परंपरा में लाने का काम सिर्फ आर्य समाज ही कर सकते, क्योंकि वो बौद्ध बन जाए तो उनके मन में एक कोफ्त रहेगी कि हमारे पूर्वजों के साथ में अन्याय हुआ। जैसे कि ये भ्रांति है मुसलमानों के मन में कि हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ, वो अन्याय हुआ लेकिन वो उसमें धर्म ग्रंथों का कोई रोल नहीं, कम से कम वेद के जो आर्ष ग्रंथ है उनका कोई किरदार नहीं, कोई भूमिका नहीं है। तो इसलिए आज ये आर्य समाज की जो प्रमुख भूमिका है वो ये है कि जो बहिष्कृत हो गए लोग मध्यकाल में आर्य पद्धति से बहिष्कृत हो गए, उनको निकाला गया, ऐसा नहीं था कि वो निकले, तो निकाला गया, किसने निकाला, क्यों निकाला, वो अलग विषय है, लेकिन उनको लाने का यदि कोई काम कर सकता है तो वो ये वर्ग है। और उसके लिए सबसे पहले आदर पूर्वक उनसे संपर्क करना होगा, आदर पूर्वक उनके पूर्व पक्ष को समझना होगा, और वो गलत नहीं है। 2000 साल तक अस्पृश्यता रही, आपको मैं जातक तक्षशिला का मैं वर्णन दे सकता हूं कि दो बच्चे वहां पढ़ने गए, पढ़ रहे थे, रात को एक दिन आचार्य ने देखा कि वो एक चांडाल भाषा में बात कर रहे थे, तो बहिष्कृत कर दिया। ये जातक कथा में आता है तक्षशिला के वर्णन, जबकि वहां सभी वर्ग के, एक ये भी वर्णन आता है कि तक्षशिला में बनारस के राजा
और बनारस के राजा राजपुत्र बनारस के राजा ने अपने राजपुत्र को भेजा और राजपुत्र के एक मित्र को भेजा जो कि दर्जी का पुत्र था। अब सोचिए राजपुत्र और दर्जी के पुत्र साथ खेला करते थे और साथ में तक्षशिला पढ़ने गए तो लेकिन ये भी आया एक समय मूल में नहीं था लेकिन ये लगभग 300 ईस्वी के आसपास आया होगा इस तरह का विकार। तो ये भी हमें जुड़ के समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ हम नहीं जानते, शायद वो शोध का विषय है, लेकिन इसका निवारण करना बहुत आवश्यक है। और वो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ चुका हूँ भारत की कोई इकाई इस काम को पूरा नहीं कर सकती वनस्पत, क्योंकि न तो उनके पास वो समझ है और न ही पास वो संगठन है और नहीं वो ग्रंथ है। तो ये मैंने सोचा मैं आपके सामने एक चीज बहुत बड़ी बहुत सुंदर गरीबी का एक सबसे बढ़िया आकलन ये है कि अकाल में लोग अनाथ होते थे और उनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, तो गरीबी थी। वो ये बोलते हैं देयर इज नो स्लेवरी, मैंने पढ़ा है मेगास्थनीज को, ग्रीक में देखा है, इंडिका में को, ग्रीक में भी आप देखिए कोई मुश्किल नहीं, जो सबसे जबरी देयर इज नो स्लेवरी, दास्ता नहीं थी, गरीबी है। क्षमा कीजिए अब हमारे दो वक्ता और हैं जो भोजन पूर्व हमें सुनना है, क्षमा कीजिए हम चर्चा अब नहीं कर रहे हैं, आपस में आप लोग संवाद कर सकते हैं क्योंकि प्रोफेसर मेहता ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जिनके उत्तर देने की अकुलाहट आप में से कईयों के मन में होगी, उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, दलितोद्धार का कार्यक्रम आर्य समाज ने शुरू किया था लेकिन अब वो लगभग समाप्त प्राय है, तो हमें उस ओर ध्यान देना है। ये बात उस दिन हमारे उद्घाटन सत्र में राज्यपाल महोदय ने भी अस्पृश्यता की ओर संकेत किया था कि महर्षि ने जो कार्य किए उनमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मेहता, आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाए हैं और आपने बात की ऑक्सफोर्ड की, तो वहाँ ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज में मुझे 2007 में एक टर्म पढ़ाने का अवसर मिला, शायद आपके समय में भी वहाँ मंडे लंच होता था, संस्कृत लंच होता है वहाँ सोमवार के दिन, बेलियॉल कॉलेज के मेस में ही होता है। ऑक्सफोर्ड में जितने कोई भी संस्कृत विद्वान कहीं भी आया है वो मंडे का लंच निर्धारित, सब आते हैं अपना अपना लंच लेते हैं और एक टेबल रिजर्व है उसका नाम है संस्कृत लंच, तो उस समय वहां बैठकर वो संवाद कर सकते हैं। तो जिस तरह ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज चल रहा है, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज चल रहा है, मैंने वहां दो विषय दिए थे वेद और वैशेषिक, तो वेद नहीं लिया किसी ने, वैशेषिक के लिए लोग उत्सुक हुए और वो मैंने वहाँ एक टर्म पढ़ाया, वहां से एक पुस्तक भी मेरी छपी है वैशेषिक पर। एक मिनट तो, हाँ जी सॉरी, मैं ये प्रसंग आया इसलिए कि अभी 2 महीने पहले जो नए बोर्डन प्रोफेसर जो अभी नियुक्त हुए हैं वो अद्भुत व्यक्ति हैं, इंग्लिश लॉर्ड हैं, संस्कृत के पीएचडी हैं बेलियोल से ही, दीक्षित साधु हैं, नागा साधु, लंबी जटाएं हुआ करती थी उनकी, जेम्स मैलनसन नाम है, आप जाके देखिए, हठ योग पे आज दुनिया में उनसे ज्यादा बड़ा कोई विद्वान नहीं है और ज्ञान ही नहीं वो साधक हैं, शायद ही विश्व में उनके जैसा हठ योग का कोई साधक होगा। तो आप जरूर जाके उनके बारे में पता करिए, ये बदलते युग का एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, बोर्डन चेयर पे एक साधु, एक दीक्षित साधु आके बैठा है। हाँ, जब मैं वहां गई थी तो प्रोफेसर मिनकोस्की थे, मिनकोस्की थे, उसके बाद में सैंडरसन थे, उसके पहले गॉम्ब्रिज थे और अभी मैलनसन आए हैं, ये जटाएं थी इनकी, दीक्षित साधु थे, साधु हैं, इंग्लैंड के हैं, लॉर्ड है, इंग्लिश लॉर्ड है ना, अंक लॉर्ड है, ही इज अ लॉर्ड, सिट्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स आल्सो। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी संगोष्ठी की श्रृंखला को, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी जो महर्षि दयानंद सरस्वती चेयर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक पर कार्यरत हैं। आपने अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया है और
अनेक संगोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं, क्योंकि आप संस्कृत में बहुत कम लोग हैं जो यांत्रिक माध्यमों का इस तरह से सफलता पूर्वक और सहजता पूर्वक प्रयोग करते हैं, उनमें से आप भी हैं। प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, आपको मैंने विषय दिया था दयानंदाज इंटरेक्शन विद वेस्टर्न स्कॉलर्स। आर्य जी आप हैं ऑनलाइन? पहले तो जुड़े हुए म्यूट तो नहीं है, देखो am I audible? Yeah, I welcome you and the mic is now for you. It's over to you. Thank you, Professor Shashi Prabha ji. As you have given me a topic, Maharshi Dayananda's interaction with the Western scholars, I would like to start my lecture with a quotation from a historian, Jaiswal. He says, "Rise of the Dayananda in 19th century India is a phenomenon that baffles the empiricist historians." Why he says so? Why the rise of Dayananda in India baffles the empiricist historian? Because that was the time when all scholars, all so-called scholars from Kashi to Calcutta, they were bowing down before their foreign mentors. They were singing the praise of eulogy for them, but only Dayananda Saraswati, he was facing them, challenging them, and daring them. So, rise of Dayananda in the 19th century is in fact a phenomenon that baffles the empiricist historian. How can one person stands up and challenges the entire system that victors who came as a victor, who made us victim, but he was not bowing before them. So it was a great phenomenon. And during that period, what was the condition of the Vedas and Vedic system? Most of the Indian scholars, they were following Sayana, Uvat, and Mahidhara. And based upon their following, they were projecting Vedas in a way that foreigners had to declare that Vedas are the songs of the shepherds, the primitive human being. So that was the main challenge before Indians. And that is why when foreigners, they were calling us eunuchs or a shepherd or primitive men, nobody dared to challenge them, because nobody dared to challenge the literal translation of Sayana, Uvat, and Mahidhara. That is why it was only Swami Dayananda who tried to project Vedas in their true sense and challenged them. So now the question is there, how was Swami Dayananda interacting with the Western Vedic scholars? Swami Dayananda's interaction with the Western Vedic scholars is not, we cannot say that he was interacting with each and every scholar, but two, three scholars he interacted who were Vedic scholars. Swami Dayananda's first interaction with Griffith, who was the principal of Banaras Sanskrit College, took place indirectly. And he also interacted with Charles Henry Tawney, principal of Presidency College, Calcutta. While he interacted, they criticized his Veda Bhashya. And why the Veda Bhashya was criticized? Because by that time, Swamiji wanted the patronage of his Veda Bhashya by the government. Swamiji met the Lieutenant Governor of Punjab on Monday, 14th May 1877. On the same day, after he interacted with him, and he told that he has produced a remarkable Veda Bhashya, and that should be funded, its translation, its publication should be funded by the government. And that Lieutenant Governor of Punjab, he indicated that you submit your proposal and will take it into consideration. Then Swamiji writes, after that meeting, Swamiji wrote a letter to the Punjab government requesting a grant
for financial aid for the publication of Veda Bhashya. Along with the latter, a specimen copy of Rigvedadi Bhashya Bhumika and Veda Bhashya was also enclosed. The Punjab government sent the specimen copies to the registrar at Punjab University College, Shimla, and the registrar was Dr. G.W. Leitner. He was MA, he was bar at law, and he invited the views of some Indian and foreign scholars regarding Swamiji's Veda Bhashya. But as it would have been a natural thing, Swamiji's Veda Bhashya was not accepted by any of the reviewers. Had Swamiji's Veda Bhashya been accepted by those reviewers, all Bhashyas done by foreigners in the West and Sayan and Uvat Mahidar Bhashya in the East, they would have been disapproved. So it was a challenge to accept the truth, and that truth was not accepted. When Swamiji came to know about this criticism, he replied the criticism in his Veda Bhashya by Griffith. So that was his indirect interaction with Griffith. And he says, Swamiji said, I have written the true meaning of each mantra clearly along with full evidence in support of such interpretations from very ancient books of the learned grammarians. Had Mr. Griffith studied ancient original commentaries, so by ancient original commentaries, Swamiji means by Nirukta, Brahmanas, Aranyakas, like that, he wants to point out towards that. And my commentaries with Bhashya supported with evidence and examples, he would not have proffered the adverse opinions which he was recently given. He has recently given. The Veda Bhashya written by Uvata, Sayana, Mahidara, Ravana, etc. are totally at variance with those by the ancient Veda Bhashyas. Only the English translation of the former has been done by professors like Wilson, Max Müller. Therefore, I do not consider such Veda Bhashyas to be correct and justifiable. Due to such literally translated books, Griffith Sahib and others are biased and they malign me by saying that Swamiji has given a different interpretation to serve his own objectives. But their argument is totally baseless. Everywhere I have cited from Aitareya and Shatpath Brahmanas and quoted evidence from Granthas like Nirukta and Panini, etc., true grammars. While writing the true meaning for each mantra, had Mr. Griffith seen my interpretation, he would not have written this. I think that he has published his own biased suggestions without looking into my Veda Bhashya. And similarly, some criticism he received from C.H. Tawney, the principal presidency college, Calcutta, commenting on his criticism, Swamiji said. He says, lastly, the view expressed by Mr. Tawney is the Veda Bhashya has been written by me in order to condemn as being incorrect. The Veda Bhashya of Sayan and English translators, I cannot be blamed on this subject. If Sayan committed a mistake and English translators have accepted him as their guide, they may do, but I cannot deliberately commit that mistake. Wrong opinions, interpretations cannot stand for long as only truth prevails and untruth fades away quickly as compared to the truth. Then he comments on the criticism of Tawney. Further he comments and he says, in the very first mantra Rigveda, mantra of Rigveda, there is a mention of word Agni, which in his first cited statement, he has been translated by Mr. Charles Henry Tawney, that principle that fire element is also recognized in Veda, but no ancient rishi or muni has invoked fire for prayer puja. He translated it as fire. Then Swamiji says, nobody has done the meaning of fire and nobody has eulogized it. Has been used only for worldly materialistic affairs. The fire has been used only for worldly materialistic affairs, but in sentences where the context is glorification of God, prayer and request, the word Agni
denotes Parameshwara, Supreme God, and not fire. Why Swamiji's Veda Bhashya needs patronage by the government? Swamiji commented that my Veda Bhashya needs patronage by the government. To conclude, Swamiji says, it appears to me that the intention behind the energy spent by these critics is so that my Veda Bhashya may no longer be allowed to exist in all the colleges of India. However, this is blunder, great mistake on the part of my critics. My Veda Bhashya is based on evidence from Veda Bhashyas prior to Mahabharata, and also it is opposed to the views expressed by the European scholars. It will undoubtedly create such a furor that it will unravel the truth and enhance ethical moral values in our colleges. Hence, due to this reason, our Veda Bhashya needs patronage by the government. So there is another celebrated scholar called Monier William. He also came in contact with Swami Dayananda. Swami Dayananda was interacting with him through his disciple Shyamji Krishna Varma, and Monier William, he was the second professor of Bodhin Chia, and he speaks of his intentions. He says, Christianity has many more points to their ancient faith than Islam has. And when the walls of the mighty fortress of Brahmanism are encircled, undermined, and finally stormed by the soldiers of cross, the victory of Christianity must be signal and complete. In his preface to his famous Sanskrit-English dictionary, Monier William, as the professor of Bodhin Chia, reveals the objective of the founding of the chair for Sanskrit studies by Colonel Bodhin as to convert the natives of India to Christianity. He writes, I quote, in explanation, I must draw attention to the fact that I am only the second occupant of Bodhin chair, and that its founder, Colonel Bodhin, stated most explicitly in his will, dated August 15, 1811, that special object of his munificent bequest was to promote translation of the scriptures into Sanskrit so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion. Swamiji was also in contact with Professor Monier William, as I told, through his student Shyamji Krishna Varma. And he used to send so many letters to Professor Monier William and his Veda Bhashya copies of the Veda Bhashya to him through Shyamji Krishna Varma. There is one instant, Munshi Samarthadan wrote a letter on June 30th, 1879 to Shyamji Krishna Varma on behalf of Swamiji and asks him to submit the copy of Veda Bhashya to Professor Monier Williams and Max Müller. He writes there, the Veda Bhashya is Professor Monier Williams. The book and Panchang are for you, which may be collected from professors. And you have written that professor has not received the Veda Bhashya's earlier issues. Please let us know which issues have not been received by him, so that we may send the same again. The price of the Veda Bhashya has been published in the notice as ₹5.30. And accordingly, please kindly send the amount, extra charges for England on the issue should also be please realized. Please get the cost for sending these from both Professor Max Müller and Professor Monier Williams. Swamiji was charging his Veda Bhashya, then he was sending to these professors. And also inform about the views, about their views regarding Swamiji and his Veda Bhashya, as well as their reaction to the critique of Swamiji about them and their Veda Bhashya. Because Swamiji was openly criticizing them, that their translations are literal ones, and most of them they are following Sayana, so their translations are outdated one. Swamiji used to send his namaste to Monier Williams through Shyamji Krishna Varma. In one of the letter that
Samarth Dan asked, what are the views of Professor Monier Williams and Max Müller about Vedas? What about their will and dedication for the cause of Vedas? Is there any institution backed by Theosophical Society for the propagation of Vedas in London? Have you ever met the Queen and visited the House of Commons? Convey my namaste to Professor Monier Williams and inquire about his health on my behalf. Let me know about his reaction and give all information worth mentioning, whether inquired by me or not. One of the letter written to Shyamji Krishna Varma on July 13, 1880 by Swamiji in Sanskrit was translated by Monier Williams in English, and the same was published in England in Athenaeum magazine. Swamiji asked in that letter about Monier Williams, etc. Swamiji was happy to know that Shyamji is exposing anti-Vedic ideology in UK through his lectures. He inspires him to visit European countries also to deliver lectures on Vedas. So this is how Swamiji was trying to interact. Swamiji also wanted Shyamji Krishna Varma to deliver a lecture in a House of Commons so that his Veda Bhashya, his ideology and actual Vedic ideology may be passed on to more and more members of the House of Commons to make the members familiar with the Vedic text. In letter dated September 25th, 1880, he says, you must also deliver a lecture in the House of Commons and make the members familiar with the rules of Shastras and other Vedic texts so that they may realize the misery of the pitiable. The British are persecuting Indians because of their mean mentality. We must not forget to remember that the European scholarship was suffering from superiority complex. Due to their political subjugation of the whole world, they were victors and others were victims. They were masters and others were slaves. In master-slave or victor-victim relationship, the victor or master is always superior and victim or slave is always inferior. The victor will look down upon victim and slave. The victor or master will always expect that victim or the slave to think like him. If the victim or slave will not do so, the victor or master will make him do so. As new masters, Britishers wanted to maintain their supremacy, it was necessary for them to establish their racial, ideological, historical superiority upon people of this country. To redeem this goal, they wanted to convert the colonial people into their fold. That is why there was a deliberate attempt on the part of the European intelligentsia in 17th and 18th century to present a distorted picture of Indian history, culture, and literature so that an intellectual crisis might be declared in this country. As the part of their plot against Indians, most of the European scholars pursued Indic studies with the ulterior motive of Christianizing India. We come across an astonishing fact that Max Müller, who himself was deeply interested in ancient Indian text, served as a functionary for the colonialist and the Christian evangelist. This fact is verified by one of his letters addressed to the Duke of Argyll, who was the British Secretary of State for India. Max Müller writes on December 16th, 1868, the ancient religion of India is totally doomed, and if the Christianity doesn't step in, whose fault will it be? In a letter addressed to his wife, Georgina Adelaide Müller, on December 9, 1867, Professor Max Müller writes, I still have a great work to do, and I often feel that I might have done a great deal more if I had kept the one object of my life more steadily in view. I sometimes wish
you would help me more in doing that and insist on my working harder at the Veda and nothing else. I hope I shall finish that work and feel convinced that though I shall not live to see it, yet this edition of mine and translation of Vedas will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of the millions of the souls in this country. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure, is only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3,000 years. The text of his letter is self-explanatory to the fact that Max Müller pursued Indic studies with an ulterior motive, and he was more or less successful in his efforts. His friend, Dr. E.B. Pusey, who was an English churchman and for more than 50 years religious professor of Hebrew at Christ Church, Oxford, hurls praises on him for the good job done by him, for which he was awarded the position of Sanskrit chair. He also makes a mention of his support in his elevation to the chair, because by that time there was a competition. Two professors, they were ahead of him, Professor Wilson and Dr. Mill. In fact, Professor Wilson died, and then Pusey supported Professor Müller, and he was appointed the professor. First professor of the chair. And he says, my first impression, however, is my abiding conviction that we should be best promoting the intentions of the founder by electing yourself, who have already done so much to make us fully acquainted with the religious systems of those whom we wish to win to the gospel. I understand great philosophical talent beyond the knowledge of Sanskrit itself are the greatest gifts which have been bestowed on those who would win to Christianity the subtle and thoughtful minds of the cultivated Indians. We owe you very much for the past, and we shall ourselves gain greatly by placing you in a position in which you can give your undivided attention to those labors by which we have already so much profited. Your work will form a new era in the efforts of the conversion of India, and Oxford will have reason to be thankful that by giving you a home, it will have facilitated a work of such primary and lasting importance for the conversion of India, and which by enabling us to compare that early false religion with the true illustrates the more than blessedness of what we enjoy. So this is how the entire system was promoting anti-India system. The above letter by churchman to Max Müller reveals the hidden agenda of colonialist. By far, this was not the only case. Earlier, to redeem his objective, Max Müller started with a very prejudiced view. According to him, Vedas were full of childish, silly, and monstrous conception who would deny. In Vedic Hinduism, published by Madras Christian Society, he also expresses his mind as, I remind you again that Vedas contain a great deal what is childish and foolish. Nevertheless, similar thing is expressed by him in the Chips from German workshop in 1866. He says, a large number of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious, low and commonplace. Regarding the impact of his Veda Bhashya edition, he says, yet this edition of mine and translation of Vedas will hereafter tell a great extent to the fate of India and on the growth of millions of the souls in this country. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure it is the only way of uprooting all that has sprung. I have already quoted it. Max Müller was in direct contact with Swamiji. He also invited Swamiji to Oxford. But Swamiji says, and he expresses his inability, Swamiji says, although I do really wish to come, as the people in India consider me an atheist here, I may not be able to come until I convince them what type of atheist I am.
The Max Müller was impressed by the Ved Kranti of Maharshi Dayananda in his last book. There was a lot of change took place after that. In his last book, The Sixth System of Indian Philosophy, he confessed that Indra, Varuna, Mitra, Agni are the names of one single God. In his biographical essays, he comments with regard to Swami Dayananda. I quote, "To Swami Dayananda, everything contained the Vedas was only perfect truth. But he went up one step further, and by his interpretation succeeded in persuading others that everything worth knowing, even the most recent inventions of the modern science, were alluded to in the Vedas: steam engines, electricity, telegraphy, wireless, micrograph were also shown to have been known at least in the germs of the poets of the Vedas." In 1890, Max Müller, who fixed the date of Vedas as 1000 BC, between 1000 BC to 1500 BC, had taken a U-turn from his stand and accepted the fact that no power on earth can fix the dateline of the Vedas. He says, I quote, "We could not hope to be able to lay down a terminus quo whether the Vedic hymns were composed in 1000 BC or 1500 BC or 2000 BC or 300 years BC. No power on earth could ever fix it." While commenting on the Upanishad, now his mind is changing. While commenting on Upanishad, Max Müller declared that Upanishads are the solace of my life. Upanishads are the solace of my death. In his writings, Max Müller argued that Advaita Vedanta system, the best represented the Vedic ideal and was the highest way to salvation in Hinduism. He considered the more popular traditions of karma and bhakti to be lesser spiritual values. So we can see that how even Monier Williams, he's changing his stance. And not only Swami Dayananda told very explicit terms that Aryans were the indigenous race. They never came from outside. And following Swami Dayananda, Elphinstone, in the History of India, Volume 1, he said, "It is opposed to the Hindus, it is opposed to their Hindus foreign origin, in that neither in the code of Manu, nor in the Vedas, nor any book which is older than the code of Manu, is there any allusion to prior residence or to a knowledge of the name of any country out of India?" Not only Mr. Muir, in his original Sanskrit text, Volume 2, he supports the same view. "I must, however, begin with candid admission that so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contains any distinct reference or allusion to the foreign origin of Indians." This is how the entire system was changing. And we know in 1825, when in House of Commons, Macaulay gives a speech when he wanted to change the education system of India, he delivers a speech there and he says that in India, Indian education has valueless. This Gurukul education is unscientific. In their education system, the cloud, the mountains, they fly in the sky. And the Indra is going to cut their feathers and then the rain is taking place. This quotation was given by, this was quoted by Macaulay, and he further says that going through such philosophy of Indians, even the girls living in the hostel of the Oxford University will laugh at them, because during that period the women were not having soul. They were considered as the lowest being on the earth, just like other things. So he told that even the girls living in the hostels of the Oxford, they will laugh at them. And he says even one self of Almira is more heavy if compared with the entire literature of the India. And then he changed the
in education system of India, he introduced the British system, and which was supported and backed by each and everybody in Indian system. And he declared in new education policy, he declared that this Gurukul system, because by that time education system, it was supported, it was the social subject. It was not the state subjects, the kings or the rulers, they were not supporting it. The society, the people were giving charity, donation, the society was supporting it. And he declared that this system is wrong, and whoever is going to donate or give charity to these Gurukulas, they will also be punished. And this is how the entire education system was collapsed in India. But Maharshi Dayananda came, he started opening Gurukulas. This tradition of opening Gurukulas was started by Swami Dayananda in around 1870s or so. And this, he was working all against, that is why the British, these journalists, other media persons, they were calling Swami Dayananda as the conspirators, as the person who is doing treason against British rules. And somebody, even some of Swami, a Pauranik Swami, he shoot Swami Dayananda in Allahabad, and he charged him of conspiracy against British rule. But the judge over there, he, when he issued his judgment, he told that this Swami is not doing any treason or any against British rule, but he is awakening his own brethren to be able for self rule. So this is how Swami Dayananda was fighting against Britishers. He was fighting against Western intelligentsia through his Veda Bhashya, through his Satyartha Prakash, through his Rig Veda Adi Bhashya Bhumika, Sanskar Vidhi, and so many old 37 books he wrote. And he changed the scenario. And now everything has changed. Some 20 years ago, even the Vedic scholars or even these Pauranic scholars, they were not able to accept that Vedas have the germs, scientific germs, or the scientific importance. Now they have started saying that there is a science in the Vedas. So there is a sea change. Had Dayananda been not there on the scenario of Bharata, I think there would have been a different Bharat enslaved by the Western scholars. But now we have come out of the clutches of all these Western scholars or the Western ideas or their conspiracy. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Professor Arya, for highlighting Swamiji's interaction with a few selected Western scholars. And you have also provided their discussion through letters, through persons, or directly. And also thank you for finishing in time. Thank you so much. If I don't think there is any question or anybody wants to make a comment, or shall we proceed? Would you like to say something? Yes, she's got next. Yeah, so now I invite Professor Ramesh Chandra Sinhaji. He was a professor of philosophy, professor and head at the Department of Philosophy, Patna University. He obtained his PhD from Banaras Hindu University, and he was the chairman of Indian Council of Philosophical Research. He is the chief editor of Darshanik Trimasik, a quarterly journal of Akhil Bharatiya Darshan Parishad, and also the chief editor of Philosophical Quest, Simant Naitikta, Subaltern Morality is his new contribution to the field of applied philosophy. He was awarded senior fellowship by Indian Council of Philosophical Research
and short-term fellowship by the Indian Institute of Advanced Study, Shimla. He has published several books and he has received J.P. Lok Nayak Samman from the Vice President of India, Vidya Bhushan Award from Vidwat Parishad Varanasi, and a felicitation volume titled Dimensions of Applied Philosophy has been published by Akhil Bharatiya Darshan Parishad to honor his contribution in the field of philosophy. I invite him and you can tell your topic, sir. Because I gave him some other topic, but he has changed to the national identity and world vision of Swami Dayananda. Thank you. Namami Saraswati Devi Vidya Buddhi Samarjanim Satyam Vasme Kanti Karo Kirpahidya. इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर शशि प्रभा जी, साथ में इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता, अपनी बात को कहने के पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, पेपर मैंने इंग्लिश में लिखा है और शशि प्रभा जी ने एक लिस्ट भेजा थीम्स, आउट ऑफ दैट सब थीम्स आई सेलेक्टेड वन, तो ऐसी बात नहीं है कि आपके डायरेक्शन के बाहर जाकर I always try to be true to the direction of the office, because that gives pleasure. So Shashi ji ko ye shikayat nahi honi chahiye ki maine topic badal di, but it suits me. Aur bhasha ka koi bandhan nahi rahe, क्योंकि दार्शनिक क्रिया प्रत्ययों का निर्माण दार्शनिक का मुख्य कार्य होता है, इसलिए भाषा के बंधन में मैं नहीं रहता। और स्वामी जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंधन से मुक्ति की बात की, वो जाति से मुक्ति, भाषा से मुक्ति, लेकिन बैक टू वेदास। एक घटना से मैं शुरू करना चाहूंगा, ये घटना एथेंस की है। एथेंस में अभी जीवित एक, अब तो गुजर गए, शशि जी को याद होगा, हैबरमास द ग्रेट फिलोसोफर, संयोग से मैं वहां था और उनसे बात हो रही थी, जैसे कल प्रोफेसर शैलेशराज मेहता जी से बात हुई, तो उनका जो सेंटेंस था वो था, इन द पोस्ट मॉडर्न एज वी हैव टू गो बैक टू आवर ट्रेडिशन बिकॉज मॉडर्न एज हैज ओवरपावर्ड the technology and everything. Likewise, when I heard and read that Swamiji gave a clarion call to go back to Vedas, वो एक मुझे याद आया कि 21वीं सदी का पश्चिम का जर्मन दार्शनिक की ये उक्ति, वी शुड गो बैक टू आवर ट्रेडिशन। एक्चुअली संदर्भ ये था कि धर्म का जो ह्रास हो रहा था और आज के युग में 20वीं शताब्दी में जो धर्म हाशिए पर चला गया था,
तो एक बहुत बड़ा अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि गो बैक टू ट्रेडिशन, लेकिन हमारे पास तो 1800 महर्षि दयानंद जिन्होंने कभी कहा कि गो बैक टू वेदास, तो अपने अपने ऋषियों पर गर्व होना चाहिए। और सच देखा जाए तो भारत के दर्शन, जो भी दर्शन हो, मैं चूंकि दर्शन का शास्त्र हूँ इसलिए मेरा परिप्रेक्ष्य दर्शन रहेगा, तो भारत के दर्शन में ये दर्शन किसी अध्यापक ने रचित नहीं किया है। भारतीय दर्शन ऋषियों की देन है। आज भी चूंकि इस सभा विशेषकर जितने पेपर्स मैंने सुने, तो फिलोसोफाइजिंग थ्रू नैरेटिव्स, दैट वाज द, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू डू फिलोसोफाइजिंग थ्रू नैरेटिव्स, और फिलोसोफाइजिंग सर्टेनली इज ए मैटर ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, सो फिलोसोफाइजिंग इज ए थियोरेटिक कॉन्शसनेस, एक्सप्रेशन ऑफ द थियोरेटिक कॉन्शसनेस। लेकिन आपसे एक अच्छी मेथोडोलॉजी, और स्वामी विवेकानंद की भी मेथोडोलॉजी थी फिलोसफी, फिलोसफर जब खड़ा होता है तो सबसे पहले वो यही तलाश करता है कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या हो, और ऋग वेदादि भाष्य को पढ़ने के बाद, मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा है, और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय मनुष्यों ने एक दार्शनिक क्रिया की, या साहित्यिक क्रिया कहिए, एक मेथोडोलॉजी दी है, और उस मेथोडोलॉजी को हम भाष्य विज्ञान विधि कह सकते हैं। और एक घटना और मैं बताना चाहूँगा जिसमें शशि प्रभा जी का बहुत इन्वॉल्वमेंट योगदान रहा है। एक यूपी में एक छोटी सी जगह है लालगंज, जहाँ अखिल भारतीय दर्शन परिषद हुआ था, वहाँ पर पहली बार तुलनात्मक धर्म की अध्ययन विधि पर मुझे अभिभाषण करना था। तो उस अभिभाषण का केंद्र था कि किस तरह की मेथोडोलॉजी हमारे ऋषियों ने आर्ष ग्रंथ को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए की। ये अपने आप मैंने इस विषय को चुना था। तो वहाँ पर वो विधि जो प्रतिपादित प्रस्तुत किया था कि एनालिटिक हर्मेन्यूटिकल मेथोडोलॉजी, हिंदी में उसको विश्लेषणात्मक भाष्य विज्ञान विधि, तो अपने ऋषियों की ये परंपरा रही है, वो शंकराचार्य जी क्यों ना हो, कि भाष्य भारत की देन है, कि यूनिक मेथोडोलॉजी फॉर स्टडिंग द एंशिएंट लिटरेचर। तो ये भाष्य विज्ञान विधि और महर्षि दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही प्रोमिनेंट विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भाष्य विज्ञान विधि भारत को ही नहीं विश्व को दिया है। अब थोड़ी बहुत जो नैरेटिव चल रहे हैं, मेरा आर्य समाज से कैसे संबंध, वस्तुतः मेरा घर आर्य समाज के बिल्कुल सामने, मैं आरा शाहबाद हुआ करता था। शाहबाद में मेरे पिता वकील थे और आर्य समाज की गतिविधियों से वो जुड़े हुए थे। मुझे नहीं मालूम कि वो आपने पूछा था कि कभी दीक्षित हुए या नहीं, लेकिन मैं आर्य वीर दल का सदस्य और पॉपुलर है सोशल मीडिया बिल्कुल
उस समय मैं छोटा था, 1956-58 की बात रही होगी, प्रकाश पीर शास्त्री हर वर्ष आया करते थे और उनका भाषण इतना ओजस्वी होता था कि मैं अपने घर के आंगन में खटिए पर लेट कर सुना करता, क्योंकि रात भर का भाषण चलता था। और भजन के लिए मुझे याद है, आज कई वर्ष हो गए, अब याद कीजिए कि 56 से आज, मैं छोटा था और नंदलाल जी, उनका भजन और प्रकाश वीर शास्त्री को सुनने के लिए हम लोग वो मुड़ेर जो बना रहता है उससे ऊपर चढ़ के कूद कर सुनने जाते थे। तो मेरा बाकी हमारे सगे संबंधी जिनके जिनके सानिध्य में मैं रहा, एक तो आपको बताया हमने कि सुल्तानपुर में मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी आर्य समाज जी थी, वो शिवा खान जो कलकत्ता में थे, वाचस्पति उपाध्याय, रमाकांत शिवाकांत और दिल्ली में, उमाकांत जी कलकत्ता में, तो मैं जाया करता था। और एक बार की घटना है कि उमाकांत जी पटना आए हवन कराने, वहाँ एक राम नारायण शास्त्री जी हुआ करते थे बहुत भी, तो उनके घर में, तो मैं भी गया था। संयोग से ट्रेन स्ट्राइक हो गया और रहने की समस्या आई, तो मेरे घर में 7 दिन थे। जब फिर से ट्रेन चालू हुआ तो कलकत्ता गए। तो ये मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं दीक्षित कोई आर्य समाज ही नहीं, लेकिन जो संपर्क है, सानिध्य है, चूंकि आज शशि प्रभा जी ने सचमुच में एक नए तरह का आयोजन किया है, जो जीवंत, जिसको सेमिनार तो मैंने बहुत अटेंड किए हैं, चेयरमैन थे तो ईरान से लेकर के और कई कंट्रीज में सेमिनार होते थे, और यहाँ भी इस इंस्टीट्यूशन के मैं एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी था 3 वर्ष। हालांकि वो 3 वर्ष यूँ ही गुजर गए कपिल कपूर साहब और मकरंद पराजपति जी के साथ। और अभी अभी जो हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत स्मूथली द इंस्टीट्यूट इज गोइंग ऑन, और मैं जब आया, जब आपको हमने देखा, तो मुझे वह दिन याद आ गया जब यहाँ श्यामाचरण दुबे, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे डायरेक्टर थे, मैं बहुत छोटा था, पटना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने के बाद पहुंचा था पटना यूनिवर्सिटी, और पहुंचने के बाद प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी से हमारी भेंट हुई, बच्चे जैसे कूद कर परिचय करते हैं, तो मैंने भी जाके अपना परिचय दिया। परिचय सुनने के बाद एक महीने बाद एक चिट्ठी उन्होंने लिखा कि कैन यू कम टू शिमला। तो मेरे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है, और मैं यहाँ आया शॉर्ट टर्म फेलोशिप पर, हॉल यही है, परिवर्तन सिर्फ है कि ये मंच नहीं था, परिवर्तन सिर्फ ये है कि ये टीवी नहीं लगी हुई, टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन वही टिल डॉट, सिर्फ जिन लोगों ने श्यामाचरण दुबे को देखा होगा तो उनको मालूम है कि वो काफी लंबे थे और बड़े गंभीर, और सोशियोलॉजी के वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडिया। खैर, मैं अपने विषय पर ना चाहूँगा, समय की सीमा को देखते हुए 2-4 बातें। एक की स्वामी दयानंद का कॉन्सेप्ट, फिलोसोफाइजिंग इज कंसेप्चुअलाइजिंग, ये मेरी मान्यता है। लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष में जो मनीषियों ने कंसेप्चुअलाइज किया है उसको भी आप
सिर्फ ये कहकर कि वेस्टर्न फिलोसफर्स ही कंसेप्चुअलाइज करते हैं तो ये बहुत गलत बात हो, अपनी चीजों को उसकी मान्यता देनी चाहिए। तो स्वदेशी स्वराज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, आई विल टेक ओनली वन और टू कॉन्सेप्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये स्वराज की अवधारणा और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन लोगों से पहले की अवधारणा, स्वदेशी की अवधारणा, तो इन लोगों से पहले की अवधारणा स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। अब स्वदेशी को हम कैसे व्याख्यायित करें, और इसके पहले नेशनल, नेशनैलिटी, व्हाट इज नेशनैलिटी, ये नेशनैलिटी की कोई परिभाषा होनी चाहिए। हम भारतीय हैं यह उक्ति है, तो भारत के प्रति हमारा आइडेंटिफिकेशन, उससे एकीकरण होना यह राष्ट्रीयता है। और ये चूंकि वर्ल्ड व्यू, द वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड व्यू, तो वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू के लिए अब ये बहुत मुश्किल बात है कि वन कैन बी ए नेशनलिस्ट एंड कैन थिंक अबाउट द वर्ल्ड व्यू, एक कंट्रडिक्शन है, पजल है, पैराडॉक्स है कि हम राष्ट्रीय अस्मिता को अक्षुण रखते हुए हम विश्व मानव बने, हम विश्व, हमारी दृष्टि विश्व की हो। और कुछ लोगों ने, जैसे तॉल्स्टॉय ने एक पुस्तक लिखी वार एंड पीस, और उसमें उन्होंने स्थापित किया कि ये राष्ट्रीय अस्मिता या नेशनल आइडेंटिटी इज द कॉज ऑफ वॉर, सो गेट रीड ऑफ दिस, राष्ट्रीयता की बात मत करो। उस वार एंड पीस की किताब पढ़ने की एक घटना है कि न्यूयॉर्क से मैसेच्यूसेट्स मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ एक वेदांतिक सेंटर है, शशि जी को मालूम है कि MIT में एक बहुत बढ़िया वेदांतिक सेंटर है और मैं अक्सर जाया करता, वहाँ हमारे परिचित हैं बलराम सिंह जी, तो उन्होंने आमंत्रित किया था। अब वार एंड पीस पढ़ने के बाद लगा कि ये नेशनल आइडेंटिटी या जिस राष्ट्रीय अस्मिता की बात हम करते हैं वो तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तॉल्स्टॉय जैसे थिंकर वो कहते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी इज द कॉज ऑफ वार, सो गेट रीड ऑफ ऑल। कौन? फिर भारतवर्ष के इकोनॉमिक्स के ही एक बड़े, हाँ, ये सेमिनार, नोबेल प्राइज जिनको मिला है, एक सेमिनार में था, हाँ, अमर्त सेन ने, नहीं वो उस पे इंटरनेट पे चला, वर्चुअल, हाँ हाँ बताओ, थैंक यू। भाई साहब आप म्यूट कर लीजिए, भाई साहब म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अमर्त सेन, सभी लोग यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने अमर्त सेन का नाम सुना हुआ, द ग्रेट नोबेल प्राइज विनर, जो शांति निकेतन में मुझे उनके घर जाने का भी मौका मिला, घर पर ताला लगा हुआ था। तो अमर्त सेन ने एक पुस्तक लिखी आइडेंटिटी एंड वायलेंस, उसमें वेरी क्लियरली
उन्होंने लिखा कि नेशनैलिटी इज द कॉज ऑफ वायलेंस, सो गेट रिड ऑफ दिस नेशनैलिटी। हम आज राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती एक राष्ट्रवादी थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, और वो थे। सभी आर्य समाज के जितने भी पुरोधा हैं उनकी मान्यता है कि अगर कोई बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के पहले अगर कोई एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा जो राष्ट्रवादी, जिसको हम सही अर्थ में कह सकते हैं, तो वो दयानंद सरस्वती का नाम। तो अमर्त्य सेन ने जैसे टैगोर का भी हम ले सकते हैं, टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, टैगोर विश्व मानव की बात करते हैं, विश्व मानव की बात करते हैं, और ही ऑल्सो सजेस्ट टू ट्रांसेंड द नेशनैलिटी। But I strongly, with all my conviction, I differ. To say that one should transcend the nationality, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से को परित्याग करना या ऊपर उठ जाना और वैश्विकता को अपना लेना, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से, since Professor Shailendra Raj Mehta is here, I don't have hesitation to confess that this is the age of globalization, this is the age of postmodernism. Lekin, to say that one should get rid of his nationality is to suggest that one should get out of his own body. I am born in a nation and I will die in a nation. और स्वामी जी का भी ये संकल्प था। स्वामी जी कहीं बाहर गए नहीं, लेकिन गो टू द वेदास और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, कट्टरता नहीं थी, एक स्कॉटिश मिशनरी क्रिश्चियन स्कॉलर जेन फरकोहर का नाम लेना चाहेंगे जो कलकत्ता में थे, उनकी एक पुस्तक है रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। उस पुस्तक में लिखते हैं फरकोहर साहब कि स्वामी विवेकानंद इज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, उनका एक उनकी पंक्ति एक हम पढ़ देना चाहेंगे। यस, जेन फरकोहर होपफुली ही राइट्स दैट आर्य समाज इज ए पावरफुल बॉडी, दैट्स व्हाई आई हैव कोटेड, बिकॉज आर्य समाज के लोग अब कल ही प्रोफेसर मेहता ने बड़े शिद्दत के साथ ये प्रश्न उठाया कि क्या कारण है कि आर्य समाज के पास इतने बड़े ऋषि हैं, इतने उद्भट विद्वान हैं जिनको कि मैंने देखा। हम तो आप लोग को देखकर हतप्रभ रह गए, इतने विद्वत लोग एक साथ शशि प्रभा जी ने एकत्रित किया, बुलाया, लेकिन फिर भी एक चुभता हुआ सवाल, जिसको चौंकाने वाला सवाल आपके शब्दों में, आर्य समाज, वाई आर्य समाज इज डिक्लाइनिंग रेदर डिमिनिशिंग, 100 इतने बड़े 140 करोड़ लोगों के बीच में 500 आदमी आप हैं जो विद्वत कहलाते हैं, तो ये सोचने की बात। लेकिन जैन फरकोहर कहते हैं
in his book Modern Religious Movement in India, that Arya Samaj is a powerful body. Mark this powerful body. A foreigner, a missionary who came, who was living in Calcutta, he says that Arya Samaj is a powerful body. He observes, for the health of the people, many social and religious reforms were necessary. For example, the total abolition of caste, the provision of widow warning, of child marriage, of polygamy, and of infanticide, the granting to widows of the right to remarry, the provision of human sacrifice, of the torturing of animals in sacrifice of human torture in worship, and of the gross of obscenity practicing in the street. Swami Dayanand was against social evils and practice in our country. सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद विडो मैरिज री मैरिज ऑफ द विडो दैट वाज और सचमुच में बचपन में मैं बहुत छोटा था तो आर्य समाज मंदिर के कोने में कभी कभी मेरा देखा हुआ तो कोई दुखियारी महिला बैठी रहती थी तो बच्चे का मन जैसे विचलित होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा कोई आर्य समाज मंदिर में एक कोने में महिला बैठी हुई है और कुछ हवन का प्रबंध हो रहा है मैं नहीं उस समय समझता था लेकिन रीमैरिंग उस समय प्रविष्ट था सती प्रथा का प्रकोप था तो रीमैरिज विडो मैरिज दैट वाज ए ग्रेट एम्पावरमेंट और जो एक सबल्टर्न मोरालिटी एक हमारी पुस्तक है वो छपी है अमेरिका से तो उसका एक सबल्टर्न का मीनिंग हिंदी में उसको हमने सीमांत नैतिकता रखा तो सबल्टर्न मोरालिटी में ये हमने चेष्टा की दिखाने की कि दोज हु आर बिसाइड्स द सर्किल उसमें महिलाएं भी हैं वो प्रोलेटेरियत का कॉन्सेप्ट नहीं है वो सबल्टर्न उन लोगों का है वो दलित हैं जो उपेक्षित हैं महिलाएं हैं जो समाज की संरचना में परिधि पर खड़ी है केंद्र में नहीं है उनको केंद्र में लाने के लिए तो स्वामी विवेकानंद जो भारत एक ऋषियों का देश है और जितनी भी क्रांतियां हुई हैं महात्मा गांधी भी क्रांतिकारी थे वो भी ऋषि थे कोई ऐसा एक अकेले नाम हम ले सकते हैं जेपी का जेपी वॉज नॉट ए ऋषि लाइक दैट बट ही वॉज ए सेंट इन ए डिफरेंट सेंस क्योंकि मुझे उनके पास रहने का अवसर मिला था 1974 में मैं उनके घर के पास एक किराए के मकान में रहता था तो महर्षियों ने समाज में क्रांति लाई है और स्वामी दयानंद सरस्वती के आप इतने सारे लोग दीक्षित बहुत सारे लोग हैं इसमें तो फिलॉसफी के टीचर को मैं खोज रहा था तो कोई मिला ही नहीं और एक ले पिल्ले साहब हैं यहाँ केरल से जिनको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो। और शशि परवा जी तो खैर फिलॉसफी के द्वारा ही पल्लवी पुष्पित हर समाज में आपने बताया कि हर समाज के स्कूल में आपने पढ़ाई की लेकिन आपकी नॉट फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट बट फिलोसोफाइजिंग प्रोसेस से आप गुजरती रही हैं आपके कई पुस्तकों से को मैंने पढ़ा और आपके साथ 50 साल का मेरा संबंध है और एक ही तरह का संबंध है और जब भी आपने याद किया मैं आया और हाँ तो मैं कह रहा था
there is it in the whole in the global world time ho jaye to kripa mujhe bata denge kyunki hamare chhatra कृपया मुझे बता देंगे कि बंद कर आप कंक्लूड कर दें बस दो मिनट में कंक्लूड कर दें कि आज जो पैराडाइम है पूरे विश्व में तो उस एक नाम लिया जा सकता है सैमुअल पी हटिंगटन द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सैमुअल पी हटिंगटन तो मैं चाहूँगा जो पैराडाइम उन्होंने दी है द वर्ल्ड व्यू द वर्ल्ड विजन जो दिया है उस पैराडाइम को क्या हम महर्षि दयानंद सरस्वती के उस पैराडाइम से जो उन्होंने दिया वैदिक पैराडाइम उससे क्या रिप्लेस कर सकते हैं एक प्रश्न आता है क्योंकि सैमुअल पी हटिंगटन बात करते हैं कि विश्व में अगर तीसरा युद्ध होगा तो कल्चर सिविलाइजेशन विल बी द कॉज एंड ही चेंज द पैराडाइम प्रोवाइडेड बाय कार्ल मार्क्स मार्क्स ने पैराडाइम दिया वो इकोनॉमिक पैराडाइम दिया सैमुअल पी हटिंगटन ने सिविलाइजेशनल पैराडाइम दिया कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आज की परिस्थिति में कॉन्फ्लिक्ट है चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है और उस पैराडाइम को सैमुअल पी हटिंगटन के पैराडाइम को हम मानते हैं लेकिन आवश्यकता क्या है डू वी थिंक दैट द एंटायर ह्यूमैनिटी शुड पेरिश वी कैन नॉट इमेजिन लाइक दैट सो देयर इज अ नीड टू चेंज द पैराडाइम सो इफ वी हैव टू शिफ्ट द पैराडाइम वेयर वी विल गो So naturally, we have to look after Swami Dayananda Saraswati because his paradigm, Vedic paradigm, the paradigm of unity, that is a great paradigm. जो उन्होंने unity की paradigm दी है, वो Marx के paradigm और Samuel Huntington के paradigm से कहीं बेहतर है. But there's a need to work out. वसुदेव कुटुंबकम की जो पैराडाइम है भारतवर्ष की उसकी ओर हमें देखना धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर सिन्हा आपने बहुत ही सहज और अनौपचारिक रीति से अपने विषय का प्रतिपादन किया यद्यपि आपने अपने शोध पत्र में उसका विधिवत निरूपण किया है प्रोफेसर सिन्हा ने संकेत किया मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 5 वर्ष तक दर्शन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रह चुकी हूँ और उनकी पत्नी थी श्रीमती श्री सिन्हा वो भी पटना विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग की प्राध्यापिका थी और हम लोग और चूंकि वो मेरे गुरुजी प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी की संबंधी थी तो उनके यहाँ भी हम लोग मिलते रहे तो इस नाते हमारा वैयक्तिक संबंध भी रहा है और अब मुझे लगता है हम समय पर संवाद इसको संपन्न करें इस सत्र को हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं भोजन के लिए आप सब वहां पहुंचे और 1:50 तक अब अगला कार्यक्रम उस बड़े हॉल में होगा फिर वहीं पर समापन सत्र होगा 3 वक्ता हैं हमारे डॉक्टर सतीश प्रकाश जी यूएसए से प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री और प्रोफेसर सोमदेव शतांशु 3 व्याख्यान होंगे और उसके बाद समापन सत्र होगा यथाशीघ्र भोजन करके पधारेंगे छोड़ देते हैं यहाँ मत छोड़िए यहाँ से सामान चला जाएगा ना उधर